नमस्कार। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। रम रामाय नमः। ओम पितृपुरुषाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। सो स्वागत करता हूँ टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल पे। विचार करेंगे जुलाई महीना ग्रह गोचर स्थिति क्या माने रखता है, और ये जो पूरा 30 दिन 31 दिन इसमें किस प्रकार के सभी राशि वालों को फल मिलेगा, मेदिनी ज्योतिष के अनुसार किस प्रकार का प्रभाव आने वाले हैं। ऑलरेडी इसके ऊपर तो बातचीत हो चुका है, और लेकिन ऑलरेडी मैं हर एक गोचर का वीडियो ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। अब इसका आगे का पूरा महीना का, यानी हर गोचर को, जो मेष राशि में मंगल राहु का गोचर और इधर वृष में स्वग्रही शुक्र का गोचर और इधर सूर्य और बुध का मिथुन गोचर, शनि का बकरी, इसका ऑलरेडी वीडियो आप इस चैनल में अवेलेबल है, आप देख सकते हो। अब इन सबको मिला के पूरा महीना भर का क्या इम्पैक्ट इफेक्ट आने वाला है 12 राशियों के ऊपर, तो ये मासिक राशिफल के ऊपर विस्तृत बात करेंगे। ये कुछ वीडियो मैं क्लिप में बना दूंगा ताकि वही राशि वाले ही उसको देखेंगे, और ये पूरा लंबा वीडियो चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो चलिए इस विषय को आगे हम लोग लेके चलें, उससे पूर्व ग्रह गोचर को देख लेते हैं। तो सबसे पहला ग्रह गोचर में 16 तारीख सूर्य और बुध कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं, और ये 13 जुलाई को शुक्रदेव 13 जुलाई को शुक्रदेव आ रहे हैं मिथुन पे, 12 जुलाई को ये शनिदेव बकरी होके फिर से धनिष्ठा मकर में आ रहे हैं। तो ये रह गया हमारा ग्रह का जुलाई महीना में होने वाला गोचर। इसमें अब तक जो स्थिति था, सबसे पहला स्वगृही मंगल, स्वगृही शनि 2, स्वगृही गुरु 3, और यहाँ फिर शुक्र स्वगृही 1 2 3 4 ग्रह स्वगृही, मिथुन आ जाएंगे 16 तारीख को, मिथुन में आ जाएंगे बुध 16 तारीख को, 5 ग्रह स्वगृही, और ये कंडीशन रहेगा। साथ में ये 1 2 और 29 28 29 30 इतना दिन चंद्रमा यहाँ स्वगृही रहेंगे, तो करीब राहु और केतु 2 को छोड़ देने से, सूर्य 3 को छोड़ देने से 9 में से 3 चला गया, तो 1 2 3 4 5 6 ग्रह स्वगृही होने जा रहे हैं। और जब भी ग्रह स्वगृही होते हैं तो स्वाभाविक बात है वो सबके लिए बेस्ट रहता है, बढ़िया रहता है, और उसका स्वयं का एक परिपूर्ण राजयोग का भी फल मिलता है। अच्छा बात है, खुशी का बात है। ग्रह घूमते घूमते अपने घर में आते हैं, आप जब अपने घर में आ जाते हो तो एक रेस्ट जोन पे जाते हो, स्वाभाविक बात पहला।
और दूसरा घर में जो बाकी काम है उसको आपको निपटाना पड़ता है, तो यू फोकस ऑन योर डेली ड्यूटी और योर रूटीन, और आपका जो काम है जो पेंडिंग का था वो सब जो रुक गया था वो सबको निपटाना। उसके बाद कुछ आमोद प्रमोद और खुशी का माहौल, यानी स्वगृही ग्रह जनरली बुरा नहीं करते। तो कुल मिला के ये कहा जाएगा कि ये समय सबसे बढ़िया स्थिति आएगा आ रहा है। केवल विचारणीय चिंतनीय विषय एक ही है, और वो है यहाँ एक में मेष राशि में, मेष लग्न के ऊपर राहु और मंगल का अंगारक योग, और उसको बेकअप दे नहीं पा रहे हैं गुरु, क्योंकि खुद पाप कर्तरी में फंसे थे 12 तारीख तक। 12 तारीख के बाद ये गुरुदेव थोड़ा सा पाप कर्तरी से निकलेंगे, यानी कुछ परसेंट गुरु शुद्धि हो जाएगा, हालांकि आगे तो राहु ऑलरेडी है ही। और अभी इस समय अगर विचार करें तो गुरु के ऊपर किसी पाप ग्रह का दृष्टि नहीं था, लेकिन जब फिर यहाँ पर आ जाएंगे मकर राशि में, शनिदेव आ जाएंगे, तो एक दो तीन तीसरा दृष्टि गुरु के ऊपर फिर पड़ने लगेगा, और गुरु के ऊपर शनि का दृष्टि पड़े तो स्वाभाविक बात है यूनिवर्सियल लेवल पे थोड़ा तो गुरु के जो स्थिति है या कारकत्व है या शुभता है उसमें कमी आता है। जैसे हम लोग थंब रूल पे एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं, कितना भी शुभ ग्रह हो और उसके ऊपर अगर पाप ग्रह का दृष्टि एक से ज़्यादा दो तीन आ गया, फिर वो अपना शुभता हरा देता है, लेकिन वहाँ इतना नहीं दिख रहा है स्थिति। तो इस हिसाब में अगर हम बात करें तो ये जो 2-3 साल से जो बहुत सारे परेशानी और यहाँ गुरु के साथ शनि, गुरु के साथ केतु, और इस प्रकार के जो पूरा ट्रांजिट चला, यहाँ आके अब वो टाइम आ रहा है जहाँ पर आपको 5 ग्रह 6 ग्रह स्वगृही होना और गुरु का कुछ मात्रा में शुद्धि होना, शुक्र स्वगृही होके फिर बाद ये जो 13 तारीख तक स्वगृही और फिर अपने मित्र घर ही जा रहे हैं, बुरा तो नहीं है। तो एक ले दे के यूनिवर्सल लेवल पे एक बेस्ट कंडीशन बनने वाला है। यहाँ बाकी स्थिति कहीं बहुत ज़्यादा अब बुरा नहीं दिख रहा है, जो बुरा होने का है वो स्वाभाविक बात है, जो हम लोग ऑलरेडी विचार कर चुके हैं पूर्व के 2-3 वीडियो में ऑलरेडी विचार हो चुका है, तो उसको छोड़ के और ज़्यादा कोई समस्या नहीं दिख रहा है। तो चलिए बात करते हैं अभी बाकी ग्रहों का, और ये जो ग्रह स्थिति है यह ग्रह स्थिति 12 राशि वालों को किस प्रकार का परिणाम दे के आने देने आ रहे हैं। ये तो पहला ग्रह स्थिति रहा कि ग्रहों का क्या क्या परिस्थिति है, और ओवरऑल सभी राशि के लिए क्या कंडीशन देने वाले हैं। हाँ, अगर एक स्थिति जो शनिदेव स्वगृही होने के बावजूद, मैं उसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर बकरी तो होंगे, फिर जब यहाँ घुसेंगे तो 1-1.5 डिग्री आसपास, मतलब यहाँ उनका फिर आना वो, और जब कोई भी ग्रह का ऐसा स्थिति में रहता है, लेकिन हालांकि दोनों उन्हीं का स्पेस है, पूरा एरिया उन्हीं का है, उन्हीं का प्लॉट है, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी डिग्री वाइज जब आप कम हो जाता है कोई भी प्लानेट, तो उसको स्वाभाविक बातें बोलते हैं कि किम कर्तव्य विमूढ़ होता है। लेकिन बकरी भी हैं तो बकरी प्लानेट हमेशा चेष्टाबली रहता ही है, और इस हिसाब में ले दे के सभी स्थिति ठीक ठाक है। हाँ, लेकिन कोई बहुत बड़ा सुप्ता काम का बात तो नहीं कह सकते। हाँ, इस महीना जुलाई 1 तारीख हमारे पूरी ओडिशा में भगवान श्री जगन्नाथ जी का पावन परम रथ यात्रा, और फिर हम लोग इसको घुरती यात्रा या बहुड़ा यात्रा कहते हैं, तो वो 9 तारीख को बहुड़ा दशमी कहा गया, तो दशमी तिथि में जैसे ये जो रथ यात्रा है स्पेशली हो रहा है
शुक्र द्वितीया और एक तारीख का जो महीना भी शुरू हो रहा है, ये 5:14 सूर्य उदय उड़ीसा का टाइम अनुसार, पंजिका के अनुसार, पंचांग के अनुसार, तो ये शुक्र द्वितीया तिथि आज जो मैं कह रहा हूँ तो उस समय ये रहेगा और पुष्या नक्षत्र में रहेंगे और ये पुष्या शुक्र पुष्या प्राप्त हो रहे हैं। देखिए सबसे बेस्ट गुरु पुष्या शनि पुष्या कहा गया, ये शुक्र पुष्या मिल रहा है और आषाढ़ शुक्ल पक्ष में यहाँ पुष्या नक्षत्र में ये महा शुरू हो रहा है और इस समय का अगर आप कुंडली निकालते हैं तो ये स्थिति ग्रहों का है अपना अपना। और इसमें सबसे जो पावरफुल अगर आप बोलेंगे तो नेचुरली गुरु का ही आपको मिलेगा और कुछ सूर्य का भी मिलेगा। तो ले दे के कंडीशन ठीक है। तो अब आगे विचार करते हैं हम लोग कैसा रहेगा राशिफल और ये मैं क्लिप्स में लेके चलता हूँ, ज़्यादा देर नहीं करूँगा। और सारा राशिफल देखना है तो उसके ऊपर वाला एक वीडियो दे रहा हूँ, तो 12 क्लिप्स में 12 राशियों का ग्लिम्स में बात करता हूँ इसे कॉट करके। धन्यवाद, चलिए आगे चलते हैं, स्वागत है। तो पहला बात करते हैं, ये ऑलरेडी ग्रह स्थिति पहला वाला वीडियो 10 वाला में देख लीजिए, मैं उसका उपक्रम दे दिया और उसके बाद बाकी राशियों को छोटे छोटे लेवल पे मैं इसे समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। तो चलिए मेष राशि वालों का, मेष राशि अब ये जो 1 से लेके 31 तारीख तक का स्थिति, मेष राशि वालों का सबसे पहला जो बैड टाइम का डेट अगर अष्टम चंद्रमा का बात करते हैं तो 11-12 ये रहेगा, तो इस दौरान थोड़ा सावधान रहें। और द्वादश चंद्रमा आपका जुलाई महीना का 20 और 19 को मिलने वाला है बिना फालतू का खर्चा, थोड़ा सावधान रहना चाहिए, ठीक है। बाकी चंद्रमा का गोचर शुभ गोचर अपने स्थिति अनुसार। और अब बात करते हैं ओवरऑल अगर बेड गुड पीरियड अगर कहें तो मेरा गिनती के अनुसार 7 हस्ता नक्षत्र में आ रहा है। और आगे मेष राशि वालों का लग्न के ऊपर राहु हैं और ये 1.5 से करीब 3-4 महीना कट गया तो बाकी तो रहेंगे ही और धीरे धीरे राहुदेव भी पावर में आ रहे हैं और जब पावर में आएंगे तो गुल क्या खिलाएंगे, मेष राशि वालों को थोड़ा सावधान रहने का आवश्यकता जरूर है। जो जो राहुदेव पावर में आएंगे वैसे वैसे नौटंकी चलेगा, जिंदगी हिलेगा, ये स्वाभाविक बात है। इसलिए जब लग्न ही हिल जाए तो फिर बाकी क्या करें, राशि हिल जाए तो बाकी क्या करें, लाइफ डिसबैलेंस होगा तो बाकी क्या करें। आप चाहते हो एक और हो नहीं पाता होगा, हाथ से कई सारे द्रव्य भी आपके गिरते होंगे और इस समय थोड़ा सा धोखा फरेब होने का चांसेस रहता है। मानसिक विभ्रांति, द्वंद्व, भ्रम, भय, भूल, ये नेचुरल फेनोमेनल रहेगा आपका कितना भी राशिफल कह दिया जाए। और ऊपर से अगर मेष राशि हो और राहु महादशा और मंगल महादशा हो तो मेष राशि वाले ज़्यादा इफेक्टेड इन्फेक्टेड हो सकते हैं, राहु में मंगल, मंगल में राहु, या पूरा मंगल का महादशा या पूरा राहु का महादशा, तो ये लोग थोड़ा सावधान रहें, बाकी लोग ठीक है चलेगा। कितना भी राशिफल हम लोग बोल दें उसमें मात्र आप समझ लीजिए कि 5% 100 में से 5% आप इफेक्टेड होंगे गोचर से, बाकी डिपेंड करता है आपके दशा अंतर दशा। तो लग्न में अगर मंगल स्वगृही हो जाते हैं तो नेचुरली बलि तो होते ही हैं और इस क्षेत्र में हम लोग बोलेंगे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका फिजिकल कंडीशन ठीक रहेगा, आपका पावर भी ठीक रहेगा और स्वास्थ्य से लेके बाकी जो भी व्यक्तित्व ठीक रहेगा। लेकिन राहु और मंगल अंगारक योग ये विचारणीय विषय रहे तो इसके लिए स्वास्थ्य के प्रति सावधान, हेडेक होना, गैस, खटी डकार, अम्लपित, इस प्रकार का समस्या दे सकता है। और राहु भी यहाँ थोड़ा सा बलि हो रहे हैं और दोनों जब बलि हो रहे हैं और दोनों एक दैत्यों का सिपे सलार, एक देवताओं का सिपे सलार, तो दो जब सिपे सलार एक जगह में होते हैं तो नेचुरली टसल होगा, तो लाइट के साथ टसल होना एक आम विषय रहेगा, तो उसके लिए आपको मानसिक प्रिपरेशन रहना है। और लग्न के ऊपर सीधा सप्तम दृष्टि, सप्तम में केतु तो तुला राशि के ऊपर स्पाउस के साथ हस्बैंड वाइफ के संबंध के साथ थोड़ा सावधानी बरतना बड़ा जरूरी है, जितना आशा कर सकता हूँ। हालांकि आपका माउथ कंट्रोल, वाणी कंट्रोल रहेगा क्योंकि शुक्र सेकंड में है, लेकिन जब शुक्र यहाँ से भागेंगे आगे
तब समस्या 13 तारीख के बाद आप देखोगे खुद का टेम्परामेंट में बदलाव, तो वाणी के क्षेत्र में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। धन का क्षेत्र उसके बाद भी अफेक्टेड होगा, स्वाभाविक, ये दिख रहा है, नेचुरल बात है। उसके बाद अगर बात करते हैं पराक्रम भाई बहन, जो सूर्य चल रहे थे और ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 16 के बाद फिर आपका ये समस्या चालू होगा, थोड़ा सा पराक्रम में कहीं ना कहीं कमी आना स्वाभाविक है। और फिर भूमि भवन वाहन और सुख संपदा का बात करते हैं तो मेष राशि वालों के लिए ये भी बढ़िया और टॉप रहने वाला है। और ये 16 के बाद सूर्य और बुध यहाँ पर आ जाएंगे, स्वाभाविक बात है, और उस समय थोड़ा सा दिक्कत, स्वाभाविक बात है, जल के ऊपर सूर्य आना। और हालांकि सूर्यदेव ऑलरेडी आद्रा क्रॉस कर चुके हैं, तो आद्रा में क्रॉस नहीं अभी हैं, तो क्रॉस का आने का मतलब बारिश चालू होता है, स्वाभाविक बात है। तो उसमें सूर्यदेव पानी में आएंगे, और हालांकि मित्र गृही होंगे लेकिन अपने से भी द्वादश में जाएंगे। अब बात करते हैं आपका शिक्षा का, बात करेंगे तो मेष राशि का पंचम सूर्य, सूर्य अपने आज के तृतीय घर में आके बुध के साथ, तो मैं इसमें नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा थर्ड हाउस में कोई भी प्लैनेट, लेकिन सूर्य यहाँ तो अच्छा फल तृतीय के लिए अच्छा कर देंगे। शिक्षा क्षेत्र में थोड़ा समस्या, स्वाभाविक बात करेंगे। बात फिर बात करते हैं आपका पंचम स्थान शिक्षा के बाद प्रेम संपर्क इत्यादि, तो वो भी थोड़ा टसल में रहेगा, बहुत अच्छा का उम्मीद नहीं किया जाना चाहिए। और स्पाउस का बात ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। भाग्य का साथ आपका नवम स्थान, भाग्य धनु गुरु स्वग्रही हैं, इस क्षेत्र में तो भाग्य सपोर्ट करेगा, लेकिन फिर भी ये क्योंकि द्वादश में हैं और द्वादश भाग्याधीश, मैं कहूँगा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भाग्य का सपोर्ट का आशा नहीं करना चाहिए, अपना बलबूते पे मेहनत जरूर करना चाहिए। और मेष राशि वालों का कर्म करियर और वर्क फील्ड वर्क ऑप्शन जो एकादश में शनि जाके दे रहे थे और आपको मिल रहा था, नो डाउट आप, मैं बहुत सारे मेष राशि वालों का कुंडली भी देख रहा था, गुड अपॉर्चुनिटीज एंड सब कुछ आ रहा था, ये दशम में आके थोड़ा सा यहाँ बकरी होने के कारण स्वाभाविक बात है बैकफुट पे आएंगे, कई सारे काम रुकेगा भी, और सबका नहीं डिपेंड करता है दशा अंतरदशा और आपकी कुंडली में ग्रहों का स्थिति। अगर शनि आपकी कुंडली में भी बकरी हैं और बकरी स्थिति है तो उस समय नेचुरली थोड़ा सा आपको एक्सेलरेशन देंगे, लेकिन शनि बकरी होते ही वर्ल्ड वाइड में आपका काम स्लो डाउन होता है, ये बेसिक बात है, तो स्वाभाविक बात है मेष राशि वालों का। अब धन का बात करेंगे और लाभ का बात करेंगे, तो दोनों ये थर्ड हाउस, धन का बात सेकंड हाउस शुक्र हैं, 12 तारीख तक चिंता ही नहीं है आपका, उसमें धन का बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, आना चालू होगा, फ्लोट भी रहेगा, स्वगृही करते ही हैं, और लाभ का भी बात कोई चिंता का बात एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन आप किसी शेयर सट्टा बिजनेस और इस प्रकार के तरफ मन जाता होगा, वो आजकल निकला है ना शेयर, और उससे भी ज़्यादा बिटकॉइन और इस प्रकार का मन अगर जाए तो थोड़ा सावधान रहेंगे, क्योंकि राहु देव लग्न के ऊपर राशि के ऊपर चल रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है ये एनर्जी आपको सपोर्ट नहीं करेगा और अच्छा से आप फंसोगे, तो इसलिए इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। और ये क्योंकि राहुदेव यहाँ चल रहे हैं तो आपको इसके हेतु इतना ही कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके हनुमान जी का और शिव जी का सेवा और स्मरण करें, और प्रार्थना ही आदमी को बचाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में वृष राशि के लिए। तो मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन 10 मिनट का हो गया उस वीडियो के, बाकी इस वीडियो आगे लेके जा रहा हूँ मैं, वीडियो लंबा नहीं हो बोल के। वृष राशि का राशिफल जुलाई 1 तारीख से 31 तारीख तक, सबसे पहला ओवरऑल आपको डिक्लेरेशन दे देना चाहता हूँ कि वृष राशि वालों का हो चाहे किसी भी राशि वालों का, मेरे गिनती के अनुसार पूरा इस महीना का सबसे ब्रांड टाइम हो सकता है 7 तारीख को रहेगा, वो मेरा गिनती है पूरा महीना का, तो इसका फायदा सबको उठाना चाहिए। आगे वृष राशि वालों का बात करेंगे, अष्टम चंद्रमा का डेट रहेगा 13 तारीख और 14 तारीख 15 तारीख का कुछ अंश तक, तो थोड़ा सावधान रहना जरूरी है, और इस समय काम में स्लो, बाधाएं काम में बाधा आना। और वृष राशि वालों का द्वादश चंद्रमा रहेगा 21, 22 और 23, तो अन्य सारी खर्चा का समय रहेगा, इसमें सावधान रहना चाहिए, इसीलिए ही राशिफल बनाया जा रहा है। हालांकि और माइक्रो लेवल पे जाया जा सकता है, लेकिन अब ये बेसिक राशिफल है, इसलिए मैं बेसिक के ऊपर निर्भर डिपेंड करके इस आगे बात को आगे लेता हूँ। अब वृष राशि वालों का ये 8वां 12वां का बात बता दिया, अब बात करते हैं वृष राशि वालों का
सबसे पहला ग्रह स्थिति क्या है ये ऑलरेडी बोल दिया हूँ, दोबारा बोलने का जरूरत नहीं है। मैं जब कोशिश करता हूँ छोटा हो जाए, टू द पॉइंट आपको बात मिल जाए, तो राशिफल में आप लोग अच्छा अपने महीना का प्लानिंग बना सकते हो। तो वृष राशि वालों का लग्न के ऊपर शुक्र अप टू 13 तारीख तक बेफिक्र भूल जाओ, बढ़िया है। हालांकि शुक्रदेव यहाँ पर पाप कर्तरी में भी फंस रहे थे, आगे सूर्य पीछे राहु, लेकिन फिर भी स्वग्रही है तो पावर में है, बलि में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 13 तारीख के बाद शुक्र चले जाएंगे सेकंड हाउस में, मित्र ग्रही होगा, लेकिन ये भी ठीक है, नो डाउट, बढ़िया है। और इसमें हेल्थ का बात अगर कहा जाए, ओनली पाप कर्तरी का एक प्रेशर, डबल प्रेशर रहेगा, इसलिए थोड़ा सा हेल्थ का फैक्टर में जब भी पाप कर्तरी में लग्न फंसता है तो तनाव मेंटल लेवल पे आना स्वाभाविक बात है। फिजिकली आप बहुत एनर्जेटिक फील नहीं करते हो, ये भी स्वाभाविक बात है, लेकिन ये महीना आपके लिए बेस्ट होने वाला है, नो डाउट। 13 को शुक्रदेव सेकंड हाउस में भी चले जाएं तो भी उतना ज़्यादा आपको हेल्थ का समस्या कहीं से दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसके ऊपर और किसी पाप ग्रहों का दृष्टि प्रभाव नहीं आ रहा है। और हालांकि ये आगे शुक्र और पीछे, तो वाणी में थोड़ा सा क्रूरता स्वाभाविक बात है होगा ही, लेकिन 16 तारीख तक ये रहेगा, 16 तारीख के बाद ये फिर आगे चले जाएंगे। और 13 तारीख को हालांकि सूर्य और शुक्र का बहुत गैप यहाँ रहेगा, तो इसलिए उतना ज़्यादा इफेक्ट शुक्र के ऊपर नहीं रहेगा। हेल्थ के बाद अगर हम बात करें, हेल्थ मेरे हिसाब में 70% नंबर देता हूँ। आगे आगे बात करते हैं आपका धन स्थिति। धन स्थिति सूर्य हैं, बुध हैं, तो सेकंड हाउस में, फिर तो अप टू 16 मैं बहुत गुड नहीं कहूँगा, लेकिन शुक्रदेव जब आ जाएंगे आफ्टर 13 और आफ्टर 16 समझ लीजिए आपका धन का आगमन होना चालू हो जाएगा, परिवार में थोड़ा शांति इत्यादि रहेगा। सूर्य रहते हैं तो मुझे कदाचित नहीं लगता है कि सूर्य जैसे मतलब हाई टेम्पर प्लैनेट हो और आप ये आशा कर लें कि आप सारा सौम्य हो जाए, पॉसिबल नहीं रहते, तो ये थोड़ा सा तो प्रेशर आएगा ही। अब उसके बाद आपका पराक्रम और एनर्जी का बात करें, एनर्जी लेवल कैसा रहेगा। एनर्जी लेवल चंद्रमा नेचुरली वृष राशि वालों का थर्ड हाउस का लॉर्ड चंद्रमा होने के कारण ये अप एंड डाउन रहता है स्वाभाविक, लेकिन सूर्य यहाँ आ जाने के कारण आफ्टर 16 आप खुद फील करोगे, आप सुपर एनर्जेटिक अनुभव करोगे, बहुत सारा काम आपका निपटाने का कोशिश करोगे। हाँ, थोड़ा कहीं ना कहीं भाई बहन से समस्या आ सकता है। और अगर सुख का बात कहें तो सुख का द्वादश में सूर्य रहेंगे तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही, लेकिन आपके भूमि भवन वाहन इत्यादि का स्थिति खुद वो द्वादश, उनका द्वादश स्थिति में रहेंगे तो थोड़ा सा सावधान इसमें रहने का आवश्यकता है। हर क्षेत्र में, सुख के क्षेत्र में, माता के क्षेत्र में, तो अब वो स्वग्रही हो जाएंगे तो अच्छा फल कर देंगे, लेकिन जब तक ये महीना तो नहीं होने वाला है। आगे हम लोग बात करते हैं पंचम स्थान, वृष राशि से पंचम स्थान शिक्षा एजुकेशन, बुधदेव वहाँ से एकादश में रहेंगे तो टॉप वन रहेगा इसमें शिक्षा पद्धति, कोई चिंता का बात नहीं है। और शिक्षा का बात इसमें, इसके ऊपर कन्या के ऊपर ये पंचम स्थान 1, 2, 3, 4, 5 इसके ऊपर गुरु बृहस्पति का भी दृष्टि है, इसलिए मैं कहूँगा शिक्षा क्षेत्र में अच्छा है, लव अफेयर्स क्षेत्र में अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं रहेगा वृष राशि वालों के लिए। अगर बात करते हैं वृष राशि वालों का स्पाउस हाउस का बात, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पाप दृष्टि तो नहीं है, मंगल का आ रहा है, लेकिन मंगल का यहाँ पर जो वृष राशि वालों का सप्तम अधिपति वृश्चिक राशि यहाँ बन रहा है, अपना घर को देख रहे हैं, गुड, नो डाउट, उसमें ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन इससे भी द्वादश में केतु चल रहे हैं तो इस हिसाब में थोड़ा सावधान होने का भी आवश्यकता है। उसके बाद अगर बात करेंगे भाग्य का, तो भाग्य का स्थिति स्वाभाविक बात है, आपका यहाँ 9th हाउस का जो वृष राशि का 9th हाउस लॉर्ड यहाँ स्वयं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सो वृष के लिए 9th लॉर्ड बनेंगे शनिदेव, स्वग्रही, बकरी, चेष्टावली, लेकिन 9th हाउस शनिदेव धर्म के घर में, पाप पिता के ऊपर शनिदेव 12 के बाद आ जाएंगे, स्वगृही होने से स्वाभाविक बात है सपोर्ट, लेकिन बकरी होने से थोड़ा स्लो डाउन तो रहेगा ही, लेकिन फिर भी वृष राशि वालों के लिए सपोर्टिव हैं। उसके बाद अगर आपका करियर और कर्म का बात करें, नो डाउट बम बम है, इसमें ज़्यादा कोई समस्या दिख नहीं रहा है,
आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा काम का क्षेत्र में, आपको मान सम्मान और ये जो भी वृष राशि वालों का, क्योंकि शनि 10 है 10th 11th में रन ओवर कर रहे हैं और बकरी हो रहे हैं, तो ये सारा क्षेत्र में आपके लिए बम बम है। बाकी करेंगे धन और लाभ का बात, तो धन का स्थिति वृष राशि वालों के लिए, यहाँ सूर्यदेव चल रहे थे आगे आ जाएंगे, शुक्र आ जाएंगे, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा नो डाउट। लाभ का क्षेत्र का बात करें, स्वगृही गुरु, तो इन सारे केसेस में अगर बात करेंगे, इन्वेस्ट के लिए भी बेस्ट है, धन के लिए भी बहुत बढ़िया है। चिंतनीय विषय केवल इतना ही है कि मंगल द्वादश में चल रहे हैं और लेकिन स्वगृही हैं, साथ में राहु, और राहु जब भी द्वादश में रहते हैं तो लोग, स्वाभाविक बात है, सोच समझ के सावधानी से चलना चाहिए, और चोर चपेट एक्सीडेंट, मृत्यु तुल्य पीड़ा, गुप्त शत्रु, इस प्रकार के लॉसेस ये राहु नेचुरली क्रिएट करते रहते हैं। और फिर वहाँ जब अंगारक बन रहा है तो थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। तो चलिए वृष राशि वाले, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, कोई गलती बोला तो भी आप जरूर कमेंट कर देना और लिख देना ताकि मैं अपनी गलती को करेक्शन कर सकता हूँ। संपर्क हेतु 9437-580-589। आगे का वीडियो में जब मिथुन के बारे में बात करेंगे, तो नमस्कार मिथुन वाले, स्वागत है। मिथुन राशि वालों का 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक का राशिफल किस प्रकार का रहेगा, एक बेसिक विवरणी में बात करते हैं हम लोग। मिथुन राशि वालों का अगर ग्रह स्थिति, ऑलरेडी पहला 10 मिनट का वीडियो में कर दिया हूँ और उसको रिपीट करना नहीं चाहता हूँ, शॉर्टकट में बात करता हूँ। मिथुन राशि लग्न के, ये मिथुन में ऑलरेडी सूर्यदेव और बुधदेव हैं, और जब भी आपके लग्न के ऊपर सूर्यदेव आए तो आपको तेज लगता है और आपका हेल्थ ठीक रहता है नो डाउट। और यहाँ सूर्यदेव का जो भी डिटेल्स है ऑलरेडी सूर्य का केतु गोचर में बोल दिया, इसमें और ज़्यादा नहीं कहूँगा। हेल्थ वाइज बेस्ट रहेगा नो डाउट, और बुध स्वगृही होने के कारण ये जो बुध का, तो उस कंडीशन में भी आपको गुड रिजल्ट का हम लोग यहाँ कहेंगे जब ये यहाँ पर आ जाएंगे। और उसके बाद ये 16 तारीख को सूर्य और बुध फिर कर्क में आने वाले हैं, तो सेकंड हाउस में, तो धन का बात अगर कहें, परिवार का बात कहें, तो ये भी मिथुन वालों के लिए टॉप वन रहने वाला है धन का। लेकिन सूर्य जहाँ रहते हैं वो अग्निकारक हैं, स्वाभाविक बात है दिक्कत तो रहता है, वाणी के ऊपर थोड़ा सावधान रहने का आवश्यकता है। और क्योंकि और आपके ऊपर ही शुक्रदेव आ जाएंगे तो आपका मजा मस्ती और हैप्पीनेस और मन का शांति, इस प्रकार का तत्व प्राप्त होने का भी स्वाभाविक स्थिति रहेगा, यानी आप लोगों के लिए तो टॉप वन रहेगा नो डाउट। लेकिन क्योंकि मिथुन राशि का फिर से शनि का जो यहाँ आ जाने के कारण जो साढ़े ढैया चल रहा था, ये रिपीट वो एनर्जी अवेलेबल हो जाएगा, तो ब्लॉकेज होना, काम में बाधा होना, थोड़ा कष्ट पीड़ा दिक्कत होना, ये स्वाभाविक रहेगा। और हो सकता है क्योंकि बकरी होके फिर आगे चलेंगे, और तो हमें उस क्षेत्र में बाकी जो भी बाकी था शनिदेव आपका, जो या तो रिवार्ड देना या तो दंड देना, वो आपका कुंडली की स्थिति, ग्रह की स्थिति के अनुसार होगा, तो वो काम थोड़ा सा शनि बाबा अभी करेंगे स्वाभाविक, तो इसके लिए सावधान भी होने का जरूरत है। और बाकी कहेंगे आपका सुख का स्थान, तो मिथुन का 1 2 3 4 सुख का स्थान ये एकदम टॉप मोस्ट चल रहा है, और आप ही का ही घर है, मतलब बुद्ध भगवान का ही, बुद्ध देव का ही घर घर है, और इसमें गुरु बृहस्पति का दृष्टि भी यहाँ आ रहा है, तो स्वाभाविक बात है ये हर तरह से आपके लिए टॉप वन रहेगा। और आगे बात करते हैं आपका दाम्पत्य सुख का, तो मिथुन का दाम्पत्य सुख 7th हाउस बात करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ धनु में गुरु अपने से चतुर्थ स्थान में गए, तो दाम्पत्य जीवन ले दे के इज अ गुड वन। हाँ, सूर्य का गोचर के बाद थोड़ा सा बहसा बसी, बातचीत और बात विवाद बन सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्ट होगा ये नहीं दिख रहा है। ठीक है, आगे आपका अगर हम लोग मिथुन वालों का, हाँ मैं बोलना भूल गया था, यहाँ से मिथुन वालों का 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम स्थान 14 15 16 मिथुन वाले थोड़ा सावधान, काम में बाधा डिले इस प्रकार का समस्या रहेगा। और आपका जो द्वादश चंद्रमा मिथुन वालों का रहेगा, ये रहेगा 23 24 25 का कुछ समय तक बिना फालतू का खर्चा, तो इसमें आप थोड़ा अपने को कंट्रोल कर लेंगे, तो
उसके बाद बात करते हैं भाग्य का स्थान। तो मिथुन वालों का भाग्य 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुंभ राशि शनिदेव नाइन्थ हाउस बकरी होके आ रहे हैं, अष्टम में आ रहे हैं। तो नवमाधिपति अष्टमा अष्टम में सेम ग्रह होने के लिए उतना दिन तो नहीं लगता, क्योंकि लेकिन जब भी आप देखो ढैया साढ़े साथ ही कंटक पनौती शनि हो जाए तो काम में ब्लॉकेज होना, भाग्य का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं होना एक स्वाभाविक बात है। लेकिन फिर भी ये बकरी होके आ रहे हैं तो भाग्य का घर भी ओपन आउट हो रहा है, तो और भाग्य खुद अष्टम में बैठे हैं, मैं उसमें बहुत ज़्यादा नंबर नहीं दूंगा लेकिन औसतन रहेगा। फिर भी भाग्य का होप इस समय बहुत परसेंटेज में नहीं करना है। अब बात करते हैं करियर और कर्म का, स्वग्रही बन रहे हैं तो नेचुरली ये कर्म के क्षेत्र में आपका प्रगति दिख रहा है। बाकी बात करेंगे लाभ और धनागमन, तो इट इज़ अ टॉप वन, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ थोड़ा सा जो लाभ का स्थिति अगर बात करें, अंगारा के ऊपर पड़ रहा है इसमें एकादश स्थान में, मिथुन का स्पेशली, ये द्वादश हो गया ये एकादश हो गया, तो एकादश में दो ग्रह का टसल और फायर और अग्नि और राहु जैसे प्लैनेट आ जाएं तो स्वाभाविक बात है इसमें छल कपट छलना इत्यादि और स्लो डाउन और टसल, तो फाइटिंग पे और द्वंद्वता में बात जब चला जाता है तो स्वाभाविक एनर्जी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा लाभ का बात तो नहीं कहूँगा लेकिन जो बेसिक लेवल का अर्निंग सोर्स रहेगा ये आपको सपोर्ट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिलहाल ये जो महीना का पूरा राशिफल का अगर बात करते हैं तो मिथुन वालों के लिए केवल एक जो सबसे बड़ा प्रेशर है ये और ढैया का रिवर्स होना और लाभ का स्थान में अंगारक योग बनना, बाकी सारा प्लैनेट उनको आपको सपोर्ट कर रहे हैं इसमें कोई शंका नहीं है। और ये जब आपके ऊपर शुक्रदेव का गोचर हो जाएगा तो नेचुरली थोड़ा सा मानसिक लेवल पे कहीं ना कहीं कामना बढ़ना, और सप्तम स्थान को शुक्रदेव देखेंगे तो स्वाभाविक बात है स्पाउस दाम्पत्य जीवन में सुख होना, हैप्पीनेस आना, ये यहाँ पर स्वाभाविक बात है आपको लाइफ में अवेलेबिलिटी है, तो आपके लिए तो बेस्ट पीरियड ही मैं कहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो करना है कर दीजिएगा, और संपर्क हेतु या कुंडली विश्लेषण हेतु 9437580589 या फिर 9938727418 या मेल आईडी के लिए sanjayzee75@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं। तो ये रहा इस पूरा महीना का, जुलाई महीना का राशिफल और ग्रह स्थिति और आपका जो अष्टम और द्वादश चंद्रमा का स्थिति मैं ऑलरेडी बता दिया। अभी हम लोग इस अगला वीडियो में बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए, तो वो यहाँ आपको समापन करता हूँ वृष राशि वालों के लिए। चलिए आगे हम बात करते हैं कर्क के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रेस्ट में थे। तो कर्क राशि वालों का राशिफल में बात करते हैं। इस बार ग्रह गोचर ऑलरेडी 10 मिनट का वीडियो में बोल चुका हूँ, इससे आगे नहीं डिटेल नहीं करता हूँ और सीधा राशिफल पे आता हूँ। सबको आजकल तुरंत तुरंत में चाहिए, कम समय के अंदर चाहिए, तो कर्क राशि वालों का, कर्क राशि का सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ से जो अष्टम चंद्र का जो रहेगा तो 16, 17, 18 और द्वादश चंद्रमा आपका रहेगा 25, 26, 27 का कुछ अंश, दिन का कुछ भाग, तो थोड़ा सावधान इसमें, खर्चा काम में बाधा और थोड़ा सावधान इसमें रहना चाहिए। बाकी ग्रह गोचर के अनुसार, चंद्रमा के गोचर के अनुसार बाकी औसतन रहेगा उसमें, और मैं चंद्रमा का स्थिति अनुसार शुभ गोचर पर डिटेल व्याख्या नहीं करता हूँ, सिंपल सी बात। कर्क राशि का बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। देखिए कर्क राशि वालों का ढैया ऑलरेडी स्टार्ट जोन पे है लेकिन शनि बाबा कुछ दिन के लिए माफ करके 12 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, तो जब आ जाएंगे तो आपका जो ढैया का इफेक्ट था वो थोड़ा सा घटेगा, लेकिन अष्टमाधिपति सप्तम में तो स्वाभाविक बात है ये आप समझ लो कि जोन में हो, लेकिन कुछ दिन आपको फिर से रीथिंकिंग करने के लिए एक मौका मिला है
सुधर जा बेटा, वरना मैं ढैया कंटक शनि अष्टम शनि में आ रहा हूँ, थोड़ा तो उसमें तो कष्ट का मात्रा बढ़ेगा, लेकिन अभी नहीं है, अभी आप सेफ जोन पे हो कुछ मात्रा में। लेकिन मैं देख रहा था कर्क बालों का भी कुछ प्रॉब्लम जनरेट हुए थे, अभी रिलीज हुए। अब ये 16 तारीख जुलाई को सूर्यदेव आ जाएंगे कर्क संक्रांति में और बुध भी आ जाएंगे, तो नेचुरली ये आपका टाइम में थोड़ा सा ऊर्जा आपका इस क्षेत्र में बढ़ेगा, टेम्परामेंट बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, लेकिन हेल्थ वाइज ठीक ठाक रहेगा, लेकिन उत्तापता टेम्परेचर आपके पास रहना स्वाभाविक दिख रहा है, इसमें थोड़ा सावधान होने का आवश्यकता जरूर है इस क्षेत्र में। तो हेल्थ का नंबर अगर मैं कहूँगा तो 50-50 आपका हेल्थ का व्यवस्था रहे। अब स्वास्थ्य के बाद अगर बात करें तो आपका धन स्थान का बात करें, परिवार स्थान का बात करें, तो ये वाणी का स्थान बात करें, तो यहाँ का अधिपति सूर्यदेव खुद उससे द्वादश में और आपके लग्न में आ रहे हैं, तो वाणी थोड़ा संभाल के टेम्परामेंट हाई रहेगा और इस क्षेत्र में आप अपने को संभालने का अत्यंत आवश्यकता है। और वाणी के क्षेत्र में भी यहाँ से 12 तारीख तक जो शनिदेव का यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आस्पेक्ट भी यहाँ आएगा, तो स्वाभाविक थोड़ा वाणी और पारिवारिक समस्याएँ थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, फिर भी अगर दशा अंतर दशा इस प्रकार का आपके ऊपर है तो अदरवाइज ग्रह स्थिति आपका ठीक है और टाइम जोन ठीक चल रहा है तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं रहेगा। पराक्रम और पावर का क्षेत्र कहेंगे तो बुध भी अपने आ जाएंगे अपने ही घर में ही, मतलब आपके घर में आ जाएंगे, तो ये आप यू फील दैट नो डाउट एनर्जेटिक रहेगा आपका ऊर्जा ये महीना। और हालांकि द्वादश में है रहेंगे 16 तारीख तक, तो 16 तारीख तक आप बहुत ज़्यादा होप नहीं कर सकते हैं। और बात करेंगे सुख का स्थान, सुख के स्थान पे केतुदेव का गोचर चल रहा है और यहाँ घरक दोष का दोनों ग्रह का फुल पावर यहाँ पर आ रहा है, तो माता के हेल्थ के प्रति और भूमि भवान के प्रति, भूमि भवान सुख इत्यादि के लिए और इन सभी जो भी आपके पास एसेट्स हैं इनके लिए थोड़ा सावधान और ध्यानपूर्वक आपको मेंटेन करना पड़ेगा, नो डाउट उसमें थोड़ा सा कमी दिख रहा है, एक स्वाभाविक बात है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा राहु जिसका दस में दुनिया उसका बस में, तो उस क्षेत्र का भी हम लोग विचार कर सकते हैं। बात करते हैं फिर आपका पंचम स्थान शिक्षा क्षेत्र, शिक्षा का दर्जा मंगल और वो क्योंकि राहु के साथ ये चिंतनीय विचारणीय विषय है तो शिक्षा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आपका मूवमेंट होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। बाकी बात है लव एफेयर्स का क्षेत्र में तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं दिख रहा है, लेकिन हालांकि मंगलदेव का दृष्टि यहाँ आ रहा है तो स्वाभाविक अपने घर को तो बर्बाद करने नहीं देंगे, यानी उसका कारकत्व तो कुछ ना कुछ आपको फायदा तो जरूर देंगे, लेकिन फिर भी जब मंगल और राहु एकत्र होने लगते हैं या एक घर में या क्लोज कॉम्पैक्ट में आ जाते हैं तो मंगल के अंदर भी राहु का मतलब सरबत्ती इफेक्ट जिसको बोलते हैं या कॉम्बस्टेबल इफेक्ट या जिसको बोलते हैं एक दूसरे के साथ जब वो मिलते हैं तो उसका भी इफेक्ट आना चालू होता है, पीड़ित तो होते ही हैं, तो इस क्षेत्र में आप थोड़ा सावधानी बरतें तो बढ़िया है, यानी ले दे के ठीक है। अब आगे बात करते हैं आपका स्पाउस, ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ शनि स्वगृही होने से स्वाभाविक सुरक्षा जरूर मिलता है, लेकिन सूर्य के साथ भी ये दोनों का आफ्टर ये 16 तारीख को सूर्य भगवान यहाँ और शनि यहाँ दोनों का दृष्टि कोलैप्स होने का स्थिति रहेगा, तो दाम्पत्य जीवन को संभालना आपके हाथ में है, आपके ऊपर निर्भर करता है कर्क राशि वालों के लिए मैं कहूँगा, और ये दोनों मकर राशि के लिए भी क्योंकि यहाँ सूर्यदेव आ जाएंगे तो सूर्यदेव जब भी सप्तम में बैठते हैं आप सबको पता है वो अग्निकारक भी हैं, विच्छेदात्मक भी हैं, क्रूर भी हैं और एक दिशा से पापी हैं और एक दिशा से सात्विक भी हैं, तो उसका मिला जुला इफेक्ट आपको रहेगा, फिर भी सावधानी ही बेहतर है जान लेना और समझ लेना। उसके बाद बात करते हैं आपका भाग्य का, बात भाग्य में स्वगृही गुरु है तो भाग्य का सपोर्ट आपका है जिसके लिए आप सब जगह से बच के आगे बढ़ेंगे, काम में भी स्पीड आउट रहेगा, उसमें कोई चिंता का बात नहीं है। बाकी रह गया कैरियर के बारे में अगर कहा जाए तो राहु और मंगल का युति है तो स्वाभाविक सीधा 50% काट लीजिए कि भाई समस्या तो रहेगा, टसल रहेगा, धोखाबाजी रहेगा और आपके कर्म क्षेत्र में फायर होने का चांसेस कई प्रकार के, फायर बोल दिया मतलब बहुत प्रकार। और इस समय कर्क राशि वाले जो भी महिलाएं हैं पुरुष हैं गैस इत्यादि या घर का जो भी इलेक्ट्रिक फायर इस क्षेत्र में अगर काम कर रहे हैं बैटरी वगैरह में और किसी भी प्रकार के तो उसमें सावधानी बरतना, और जब भी ऐसा योग बनता है तो कोई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ या बहुत ज़्यादा फ्री एनर्जी यहाँ काम के क्षेत्र में नहीं मिलता, फिर भी मैं ये कहूँगा क्योंकि यहाँ से मंगल का दृष्टि भी यहाँ आएगा और सूर्य भी रहेंगे और लग्न के ऊपर और
स्वाभाविक बात है गुरु का दृष्टि भी यहाँ जा रहा है, तो इस सारी क्षेत्र से आपको एक सुरक्षित स्थिति भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। लाभ का बात कहेंगे तो नो डाउट आपके लाभ स्थान में शुक्र हैं और ये 13 जुलाई को फिर यहाँ आ जाएंगे तो लाभ स्थिति, और शुक्र द्वादश में भी यहाँ जब मिथुन में भी आ जाएंगे तो भी आपके लिए एक गुड पीरियड रहेगा। इन्वेस्टमेंट और व्यवसाय का क्षेत्र में अगर कहा जाए तो ले देके इस वेरी गुड कंडीशन पे रहेगा। तो कर्क राशि वालों का ये सामान्य ग्रह स्थिति इस बार मैं बताया, आगे का वीडियो में बात करेंगे हम लोग। सिंह वालों के लिए तो स्वागत है सिंह राशि वाले। सिंह राशि वालों का जुलाई 1 से लेकर 31 तारीख तक का राशिफल के बारे में बात करेंगे। तो सूर्यदेव अभी आपका एकादश में चल रहे हैं तो ठीक ठाक था, लेकिन जब द्वादश में आ जाएंगे आपसे, लेकिन हालांकि मित्र गुरु भी हैं और अपना द्वादश स्थान में है, तो हेल्थ का मैटर में अगर कहा जाए जब भी लग्नेश द्वादश में जाता है तो हेल्थ क्षेत्र में एकदम आँख बूंद के आप 70% काट लीजिए कि हेल्थ इज़ नॉट सो गुड। डिपेंड करता है ग्रह राशि, आपके ग्रह स्थिति, आपके कुंडली में दशा अंतर दशा। अगर कहीं ना कहीं बेड जोन पे आप चल रहे हैं तो सिंह राशि वाले थोड़ा सावधान होना चाहिए। सिंह राशि वालों को सावधान इसलिए भी कराता हूँ क्योंकि उनको जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट गुरु से मिलना चाहिए था वो खुद जाके अष्टम में बैठे हुए हैं, तो नेचुरली, और फिर सप्तम में शनि, और सप्तम शनि चंद्रमा से स्वाभाविक भय कारक तो होता ही है, लेकिन अब वो सप्तम छोड़ के षष्ठम में आ जाएंगे तो इस क्षेत्र में भी ये पॉजिटिव बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपको मिलने वाला है। धन के क्षेत्र में और रोग रिपूर्ण के क्षेत्र में वहाँ से तो आपको जरूर सेफ है, लेकिन अष्टम गुरु के कारण जब भी अष्टम गुरु बनते हैं कुंडली में तो इसको स्वाभाविक बात है सकट योग 6, 8, 12 का गुरु को कहा गया, लेकिन यहाँ गुरु जब अष्टम में बैठे हैं तो आपका जो सेफ जोन है, जो बैकअप मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं से कम हो रहा है। तो सिंह राशि वालों का हेल्थ का बात बताया, हेल्थ के बाद अगर धन का बात करें तो बुध स्वर भी आके आपसे द्वादश में आ जाएंगे, हालांकि अभी एकादश में चल रहे थे तो कहीं ना कहीं से लाभ और बाकी क्षेत्र में सब ठीक ठाक था, लेकिन द्वादश में जब आ जाएंगे तो अपने बुद्धि से अपना नुकसान और आपके लग्नेश भी आ जाएंगे तो आपके व्यक्तित्व में थोड़ा सा परेशानी कम से कम 30% तो आएगा ही आएगा। तो इस क्षेत्र में भी आपको सावधानी रहना चाहिए। सिंह वालों का जब धनाधिपति द्वादश में तो इट इज़ नॉट सो गुड, लग्नेश द्वादश में इट इज़ नॉट सो गुड, तो जुलाई महीना आपके लिए थोड़ा सा पीड़ाकारक रहने का दिख रहा है। वाणी क्षेत्र में भी अपने वाणी से कई प्रकार के लॉस करेंगे, एग्रावेट वाणी में होगा, टेम्परामेंट वाणी में बढ़ेगा और वाणी से ही नुकसान का संभावना है। पराक्रम का बात करें तो सिंह वालों का शुक्रदेव आपके एकादश और फिर एकादश हाँ, तो नो डाउट इट इज़ ए गुड वन। हालांकि एकादश में शुक्र को बहुत बढ़िया नहीं कहा गया, लेकिन शुक्रदेव जहाँ बैठते हैं उसका आगे का भी फल करते हैं, तो इस क्षेत्र में ठीक ठाक रहेगा। फिर भी पराक्रम यहाँ पर 13 तारीख तक तो ठीक रहेगा, उसके बाद का महीना भी ठीक रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई बहन इत्यादि का सपोर्ट और सहायता भी आपको मिलता रहेगा, लेकिन जो 2-3 दिन सूर्य के साथ ये रहेंगे उस समय थोड़ा सा समस्यापूर्ण विषय रह सकता है। सुख का बात करें तो सुखाधिपति सिंह वालों का 1, 2, 3, 4 मंगल यहाँ पीड़ित हो रहे हैं राहु के साथ, तो सावधान होना जरूरी है। माता का स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना जरूरी है। भूमि भवन वाहन का क्षेत्र में ढीला ना बरतें, बहुत सावधानी में सिंह राशि वालों को इस समय अपने भूमि भवन वाहन का सुरक्षा और चिंतन करना चाहिए। और उसके बाद लव अफेयर्स का बात करें तो गुरु बृहस्पति अष्टम में तो नॉट सो गुड, हर सिंह वालों को लव अफेयर्स में समस्या, एजुकेशन शिक्षा में समस्या, लेकिन स्वगृही होने के कारण इसका भी सपोर्ट आपको मिल रहा है और अपने से चतुर्थ गए हैं तो उसका भी आपको एक पॉजिटिव पार्ट जरूर मिलता है, यानी यहाँ भी 60-40 का बात चलता है। तो और उसके बाद सिंह वालों का स्पाउस का बात बता दिया ऑलरेडी, क्योंकि शनिदेव खुद चल रहे थे और सिंह वालों को यहाँ स्पाउस बकरी होने के कारण, स्पाउस हाउस का लॉर्ड बकरी होके षष्ठम में आने के कारण यहाँ हालांकि षष्ठ का दोष नहीं लगता है, फिर भी इफेक्ट तो रहेगा, तो बकरी भी हो रहे हैं उसमें स्लो डाउन रहेगा, बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट यहाँ मैं मुझे नहीं दिखता है। बाकी मैं देख भी रहा हूँ जो भी सिंह वालों का जो भी कुंडली आ रहे हैं तो उस क्षेत्र में थोड़ा सा समस्या कहीं ना कहीं है। अब उसके बाद भाग्य का बात अगर करते हैं तो भाग्य के घर में ऑलरेडी अंगारक दोष लगा हुआ है स्वगृह मंगल होने के कारण भी,
तो भाग्य का सपोर्ट यहाँ मैं नहीं कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। भाग्य से धोखा होना और भाग्य से बिना फालतू का जर्नी, आवश्यक नहीं होने वाला जर्नी और अनावश्यक तीर्थ यात्रा और वर्क लाइन पे आपको डबल मेहनत करने से जाके भाग्य से कुछ ना कुछ मिल सकता है, ऐसा स्थिति सिंह वालों का दिख रहा है और देख भी रहा हूँ मैं। तो इट इज़ नॉट सो सपोर्टिव आपका भाग्य रहेगा। बाकी रह गया सिंह वालों का लाभ और धन का, तो इन्वेस्ट बिजनेस के क्षेत्र में नेचुरली आपको जब बाकी स्थिति आपका बड़ी चल रहे हैं तो इस समय थोड़ा सोच समझ के सावधानी पूर्वक किसी भी व्यवसाय इत्यादि में आप इन्वेस्टमेंट या वो पैसा को लगाना या खर्चा सोच समझ के, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा समस्या ये दिखाई दे रहा है कि सैगर द्वितीयाधिपति आके आफ्टर 16 द्वादश में, तो सावधान होना अत्यंत आवश्यक है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं आपका, मैं अष्टम चंद्रमा का बात बताना भूल गया था, तो अष्टम चंद्रमा यहाँ 18, 19, 20 रहेगा, हालांकि गुरु बृहस्पति के साथ भी रहेंगे। इस क्षेत्र में आपको थोड़ा सा रिलैक्स जरूर है, इसमें कोई शंका नहीं है। द्वादश चंद्रमा सिंह वालों के लिए 1, 2, 28, 29, 30 ये लॉन्ग टाइम आपको मिल रहा है, करीब 5 दिन का द्वादश चंद्रमा, तो उसमें बिना फालतू का खर्चा होना, अनावश्यक खर्चा, अनावश्यक यात्रा और मतलब नहीं चाहते हुए भी आप लॉस पे जाना, कोई समझाने से भी नहीं समझना, बुद्धि भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं भ्रष्ट होना, स्लो डाउन होना, ब्रेकडाउन होना, बाधा इत्यादि आना, ये सिंह वालों का ये स्थिति में दिख रहा है। तो इसमें आप स्वाभाविक बात है थोड़ा सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है और तभी जाके आपको आप एक बेस्ट सुरक्षा जोन पे जा सकते हैं सिंह वालों का। तो ये ओवरऑल था, और ओवरऑल अगर बात करें पूरा महीना का, मैं कहूँगा मैं इस महीना 7 तारीख को एक बेस्ट पीरियड मानता हूँ, मेरे गिनती के अनुसार, मेरे के सामने ये 7 तारीख सभी वालों के लिए बेस्ट होना मेरे को दिख रहा है। दूसरा ये जो महीना है, हालांकि 9 तारीख में भी आपको कुछ बेस्ट कंडीशन मिलने का संभावना है, ये 2 डेट सबसे टॉप वन पूरा बाकी ग्रह नक्षत्र राशि नाव को देखते हुए मेरा विचार है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो करना है कर लीजिएगा, और यहाँ सिंह वालों का राशिफल को समापन करके अगला मैं चलता हूँ कन्या राशि वालों का नेक्स्ट वीडियो में। स्वागत है कन्या राशि वाले, चलिए बात करते हैं आपका राशिफल जुलाई 2022 का महीना में आपको किस प्रकार का सारे ग्रहों का पोजीशन फल दे रहे हैं। ग्रह का पोजीशन के लिए ऑलरेडी मैं 10-11 मिनट का वीडियो ऑन द टॉप बना चुका हूं, आप उसमें चले जा सकते हैं कि बाकी ओवरऑल क्या स्थिति रहेगा और बाकी ग्रहों का जो भी गोचर होता है, मैं ऑलरेडी वीडियो देते देते जाता हूं, हर गोचर को मैं ट्रैक करते रहता हूं और उसका मेदिनी ज्योतिष के अनुसार, राशि के अनुसार क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं, और उन सबको समीन करके बात करते हैं कन्या राशि वालों का राशिफल। तो कन्या राशि वालों का सबसे पहला बात करते हैं अष्टम चंद्रमा का डेट 21, 22, 23, और ये पीरियड ज़्यादा आपका टसलपूर्ण रहेगा और ज़्यादा आपका काम में बाधा आने का संभावना है और आग इत्यादि से बचने का अत्यंत आवश्यकता है। फायर ले इत्यादि गैस में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक इत्यादि में काम कर रहे हैं और बच्चे हैं, तो इन समय इनको ज़्यादा इफेक्ट होने का चांसेस यहाँ दिख रहा है। और कन्या वाले अभी कई सारे केसेस मेरे पास आ रहे हैं, बेचारे प्रॉब्लम में हैं, कोई हॉस्पिटलाइज हैं, और हालांकि यहाँ गुरु का दृष्टि है, सेफ जोन पे हैं, जितना सारा समस्या आ जाए फिर भी ये लोग बचेंगे, इनको सपोर्टिव मिल रहा है, मतलब ऑन हायर रिस्क जोन में होने के बावजूद भी ये सप्तम का गुरु इनको सेफ दे रहा है, इसमें डाउट नहीं है। गोचर से इनको फुल एनर्जी अवेलेबल है, फिर भी दे आर इन प्रॉब्लम, और वो ज़्यादातर पंचम शनि के कारण भी कहा जा सकता है, और यहाँ और किसी जो पाप ग्रह का दृष्टि में, हाँ एक समस्या यहाँ आपको है कि बुध यहाँ थोड़ा सा सूर्य के साथ और ये स्थिति में अपने से ये दशम में चल रहे थे और बहुत दिन वहाँ रह गए, करीब 75 डे जैसा कुछ रह गए मिथुन वालों का द्वादश स्थिति में, तो उस कंडीशन पे कुछ समस्या बन रहा था, लेकिन अब ये सेफ जोन पे आ रहे हैं और ये शनिदेव का यहाँ छठा में था, फिर ये पंचम में आने के कारण फिर से वो
पनौती शनि इनके ऊपर 12 तारीख के बाद फिर से कवर अप हो जाएगा। और आप सब जानते हैं गोचर में पंचम शनि बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं देता, बिना फालतू का यात्रा भ्रमण और बोलते हैं टूटा फूटा घड़ा में मतलब थाली में खाना खिलाना इस प्रकार का रहता है। तो अब स्वास्थ्य का बात कहें तो नो डाउट गुड हेल्थ बेसिकली, अगर दशा अंतरदशा ठीक है तो, अगर आपका टाइम जोन महादशा ठीक चल रहा है तो, लेकिन अगर कुंडली में पीड़ित है कहीं से और आपका बेड टाइम जोन जल रहा है तो हेल्थ का फैक्टर अगर मैं कहूँगा तो 70% तक फिर भी आप सेफ जोन में रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं धन परिवार वाणी का, तो यहाँ शुक्रदेव उनका भी गुड जोन पे हैं तो ये आपके लिए धन आगमन दिखा रहा है और वाणी का क्षेत्र में भी आपका ठीक रहेगा, लेकिन विचारणीय विषय केतु भी हैं वहाँ तो बात सुई जैसे चुभेगा कन्या राशि वालों का, इसलिए थोड़ा सावधान। मुंह सेकंड हाउस तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट, अगर केतु का दशा अंतर दशा कहीं बेड जोन पे चल रहा है बुरा फल दे रहा है तो मुख के प्रति भी सावधान होना, ENT के लिए सावधान होना, आँख के प्रति सावधान होना अत्यंत आवश्यक है। बात करेंगे पराक्रम, पराक्रम इस मंगल और जाके राहु के साथ स्वाभाविक पराक्रम तो बढ़ेगा, पराक्रम टॉप पे रहेगा, लेकिन फिर भी ये पराक्रम कोई कारक नहीं रहेगा भाई बहन से भी थोड़ा सा मैं धोखा शब्द भाई बहन के क्षेत्र में तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वाद विवाद का संभावना मुझे दिख रहा है। बाकी सुख का स्थान गुरु बृहस्पति एकदम टॉप में चलेगा, भूमि भवन वाहन का स्थिति और इस समय आपको इस प्रकार का कुछ स्थिति भी मिलेंगे जहां आप इस क्षेत्र में आपके लिए एक सुरक्षा जोन बनाएगा। और उसके बाद अगर बात करते हैं लव अफेयर्स शिक्षा क्षेत्र का, इसमें नो डाउट बढ़िया रहेगा और शनिदेव जहाँ बैठते हैं उसको बढ़ाते हैं तो शिक्षा प्रेम व्यापार इस प्रकार का क्षेत्र को बढ़ाएंगे। जब तक पूजा पाठ इत्यादि में भी आपको सिद्धि मिलने का संभावना यहाँ से दिखाई दे रहा है। और फिर कन्या राशि वालों का सप्तम स्वगृही गुरु, स्वाभाविक बात है संभाल लेंगे आपके दाम्पत्य जीवन को, इसमें चिंतन का कोई विषय नहीं है। फिर बात करते हैं आपका भाग्य, भाग्य के घर में स्वगृही शुक्र 13 के बाद आगे चले जाएंगे तो भाग्य का सपोर्ट डेलिंग्स पूरा है आपके पास कन्या राशि वालों के लिए, कोई चिंता का विषय नहीं है। और फिर आपका अगर कर्म का क्षेत्र कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो वहाँ भी आपके लिए नो डाउट सुपर अपॉर्चुनिटीज़ नया चांसेस और कई सारे क्षेत्र पे आएंगे। हाँ एक बिंदु यहाँ मैं कन्या वालों का अष्टम स्थान राहु, ये सबसे ज़्यादा पीड़ा बहुत लोगों को देना चालू कर दिया और मंगल आने के बाद पीड़ा बढ़ गया है। मंगल जिस दिन एंट्री किए कई सारे कन्या वाले हॉस्पिटलाइज भी होना मैं देखा हूँ और छोटा मोटा एक्सीडेंट इस प्रकार का होना ये भी घटना घटा हुआ है कन्या वालों के साथ, तो इसमें थोड़ा सा सावधान बरतना अत्यंत आवश्यक दिख रहा है। कन्या राशि वालों का इन्वेस्टमेंट एंड व्यवसाय ये नेचुरल कंडीशन पे रहेगा और हाथ खोल के आप अपने इस प्रकार के धन संग्रह संरक्षण इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र पे काम कर सकते हैं, लेकिन जब भी अष्टम में राहु चला जाता है तो विभ्रम भ्रम इत्यादि देता है और अष्टम राहु कभी कभार सोचिए चोर चपेट एक्सीडेंट भ्रम पीड़ा मृत्यु तुल्य पीड़ा हॉस्पिटल का भी चेहरा दिखाता है, तो इस क्षेत्र में थोड़ा सावधान होना अत्यंत आवश्यक है। और यहाँ अगर एक दूसरा हिसाब किया जाए तो द्वादशाधिपति इन 11 तो लॉस हाउस लॉर्ड इन लाभ स्थान, ये एक चिंतनीय विचारणीय विषय रहेगा, इस क्षेत्र में थोड़ा सा सोचेंगे क्योंकि इसके ऊपर राहु का यहाँ से सीधा पंचम दृष्टि द्वादश के स्थान पे आ रहा है, तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट और इनकम का बात जरूर बताया लेकिन थोड़ा सोच समझ के और कोशिश करें। ऐसे तो कन्या राशि वाले दूसरे को ज़्यादातर अपने बैकअप दे के ही सोच समझ के ही काम करते हैं, मैनेजमेंट का मास्टर होते हैं, तो आप इसमें थोड़ा चिंतन करेंगे। अब आपका कन्या राशि वालों का ऑलरेडी मैं अष्टम बता दिया और ये कन्या राशि का द्वादश चंद्रमा जो रहेगा जिसमें बिना फालतू का खर्चा का बात 6 4 5 6 3 4 5 6 का और अष्टम जो ये तो खर्चा का बताया ब्लॉकेज काम का ऑलरेडी मैं यहाँ बता दिया 21 22 23, तो आशा करता हूँ ये राशिफल अच्छा लगा होगा। कोई गलती बोला तो ज़रूर आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे चलते हैं अभी इस अगले पड़ाव में तुला राशि वालों का जुलाई महीना का राशिफल। तो स्वागत है मेरे तुला राशि वाले आपका राशिफल
ऑलरेडी ग्रह गोचर 10 मिनट का वीडियो में मैं बोल दिया हूँ, और इसमें बहुत ज़्यादा विषय मैं लेना नहीं चाहता हूँ। यहाँ तुला राशि वालों का लग्न के ऊपर केतु और सप्तम के ऊपर राहु और मंगल, मंगल का सीधा दृष्टि तुला के ऊपर आ रहा है और राहु का सीधा दृष्टि यहाँ पर आ रहा है। तो स्वाभाविक राशि जब बड़े प्लैनेट्स और इस प्रकार के मंगल जैसे प्लैनेट का भी जब दृष्टि यहाँ आ जाए और शनिदेव जब 12 तारीख को यहाँ आ जाएंगे तो फिर तुला राशि के ऊपर शनि का भी दृष्टि आने वाला है, तो इतने सारे प्लैनेट का ऊर्जा यहाँ पर आएगा, रजिस्टर करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। स्वाभाविक बात है, यह महीना बहुत बुरा बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, ऊर्जा बहुत आएंगे और उस ऊर्जाओं को कैसे सद्विनियोग करेंगे, योग इत्यादि करने का अत्यंत आवश्यकता है, ध्यान करने का अत्यंत आवश्यकता है, मंत्र जाप पूजा पाठ में समय थोड़ा देना अत्यंत आवश्यकता है। और अगर पहले से आप करते करते आ रहे हो तो ये कालखंड भी आपका बहुत अच्छा गुजर जाएगा। ऐसा कदाचित नहीं कहूँगा कि इतने सारे पाप ग्रहों का दृष्टि आपके ऊपर आएगा तो बहुत कुछ हानि हो जाएगा, नो, डिपेंड करता है आपके दशा अंतरदशा ग्रह स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। फिर भी गोचरीय ऊर्जा सबसे ज़्यादा इस समय ये तुला राशि के ऊपर आएगा। तो हेल्थ का अगर बात कहूँगा तो 70% नंबर, 70 नंबर काटता हूँ 30 नंबर का बाद तुला राशि के लिए। फिर भी मानसिक स्थिति में आपके ऊपर बहुत सारे विभ्रमता और द्वंद्वता रहेगा, भूल भ्रम भय भटकाव स्वाभाविक बात है, होना है। और क्योंकि केतु मीन्स पॉइंटेड, तो कोई भी नुकीला चीज़ से आप थोड़ा दूर रहें, घर में अगर कहीं पर ऐसे ओपन आउट है उससे थोड़ा आपको सुरक्षित रहने का अत्यंत आवश्यकता है। और सप्तम हाउस फायर, तो अपने धर्म पत्नी को फायर इत्यादि से या अग्नि से इलेक्ट्रिक से इस बैटरी इन्वर्टर इत्यादि से थोड़ा सावधान से हैंडल करने के लिए, सोच समझ के हैंडल करने के लिए बताइए, ये अत्यंत आवश्यक तुला राशि वालों के लिए रहेगा। तो स्वाभाविक बात है ये महीना सावधानी से चलने का अत्यंत आवश्यकता दिख रहा है, ड्यू टू ओनली ये इतने सारे पाप ग्रहों का दृष्टि आपके ऊपर आ रहा है। तो हेल्थ एस्पेक्ट में सावधान रहना, योग व्यायाम ध्यान और थोड़ा बहुत कुछ भी बीमारी आपको लग रहा है तो इसको ढीला और हल्का ना लें, कोई ओझा ओझा के पीछे नहीं दौड़ना है। ये कंडीशन आता है जब भी राहु केतु का ट्रांजिट राशि के ऊपर मूवमेंट होता है, और ये नेचुरली 18-19 साल में एक बार होता है ये केतु का ट्रांजिट, तो इस समय ये होना स्वाभाविक है। लेकिन केतु का ट्रांजिट आपको धर्म भावना को भी बढ़ाएगा, आध्यात्मिक भावना को भी बढ़ाता है, नो डाउट, क्योंकि केतु से बड़ा धार्मिक ग्रह कोई नहीं है, केवल राहु का दृष्टि में रहने के कारण ये पाप प्रभावित होते हैं ऐसा ज्योतिष में बताया गया। लेकिन मंगल का भी दृष्टि और शनि का भी दृष्टि आना, ये मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा कहीं ना कहीं से आपको होने वाला है। तो प्लीज़ हेल्थ के क्षेत्र में सावधान रहें। वाणी का क्षेत्र मंगल का भी पीड़ित दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपने से सप्तम में भी जाके वह पीड़ित हो रहे हैं राहु के साथ, तो स्वाभाविक बात है धोखा फरेब वाणी के माध्यम से ओवर पावर होना, हाई टेम्परामेंट पे जाना, ये घटने का संभावना है। और क्योंकि ये तुला राशि वालों का वाणी गुप्तता में भरा हुआ रहता है, कालपुरुष कुंडली के अष्टम स्थान भी है, तो इस क्षेत्र में आप निकल जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तुला वाले बड़े चालाकी बात करते हैं। अब उसके बाद पराक्रम और एनर्जी का बात करते हैं। ये आपका छठा में चला रहा है और अपने से चतुर्थ में जा रहा है, तो स्वाभाविक बात है इसका भी 50-50 आपका पराक्रम का बात कहेंगे तो ठीक ठाक ये पराक्रम स्थान रहेगा। लेकिन यहाँ एक समस्या रहेगा कि सूर्य भगवान यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दृष्टि में, लेकिन 15 तारीख के बाद फिर ये आपका आउट ऑफ शुक्र का दृष्टि में आ जाए, 13 तारीख के बाद शुक्र का दृष्टि में आ जाएंगे, तो ये भी आपका तुला राशि वालों का तृतीय पराक्रम भाई बहन का ये अच्छा हो जाएगा, जर्नी इत्यादि देने का, छोटा छोटा यात्रा भी देने का संभावना है, भाई बहन से प्रेम संबंध अच्छा होने का भी संभावना है। चतुर्थान भूमि भवन वाहन मातृस्थान शनिदेव बकरी होकर फिर से आ रहे हैं तुला वाले, थोड़ा सावधान होने का आवश्यकता है, ऐसे भी ढैया पे चल रहे थे और ढैया रिवर्स होने के कारण काम पे बाधा होना, और यहाँ से दशम दृष्टि में कर्म क्षेत्र को देखने के कारण शनिदेव का दृष्टि और वहाँ सूर्यदेव भी रहेंगे आपके करियर और कर्म के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में सूर्यदेव का तो ठीक है लेकिन शनि का भी दृष्टि 12 तारीख के बाद जाने के कारण इसमें थोड़ा सा समस्या आएगा, इसके लिए थोड़ा सावधान होना जरूरी है। समस्या किस प्रकार आ सकता है उसमें बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन आप अगर करियर क्षेत्र पे शनि का दृष्टि और सूर्य का स्थिति होने के कारण आपको सावधानी बरतना का आवश्यकता है। हालांकि अच्छा फल सूर्य यहाँ देंगे जरूर, लेकिन शनि का दृष्टि आना, और आप सबको पता है शनि का दृष्टि जहाँ जाता है क्या होता है।
आगे बात करते हैं तुला राशि वालों का। पंचम स्थान लव अफेयर्स, पंचमाधिपति चतुर्थ में एजुकेशन, शिक्षा, प्रेम, ये आपके लिए रहेगा ठीक। क्यों? बट बकरी होने, चेष्टा बलि होने के कारण आपको इसमें कहीं ना कहीं बाधा विघ्न का संभावना भी दिख रहा है, यानी स्लो, बाधा विघ्न तो नहीं कहूँगा, स्लो डाउन होने का, जो फोर्स में आपको मूवमेंट हो रहा था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी आएगा। स्पाउस का बात ऑलरेडी बता दिया, सावधानी बरतने का आवश्यकता है। भाग्य भाव एकदम टॉप में चलना है, उसमें कोई चिंता का बात नहीं है, आप बिना मेहनत में, कम मेहनत में ज़्यादा काम निकलेगा तुला राशि वालों का, निकल भी रहा है भाग्य का सपोर्ट होने से, कम मेहनत में बहुत ज़्यादा काम स्वाभाविक दिखता है। और यहाँ शुक्र भी आ जाएंगे, फिर ये 10th हाउस करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, मौका मिलेंगे, नया काम होगा, आप क्षेत्र में मान सम्मान का भी सूर्य रहने के कारण ये भी संभावना है। लेकिन और प्रॉब्लम, लाभाधिपति भी कर्म में है तो कर्म से लाभ भी मिलेगा, यहाँ भी ये ठीक है, लेकिन शनि का दृष्टि आने के कारण इस सब में आपको ये जो एनर्जी शनि का जाएगा, अगर आप हनुमान चालीसा और सुंदरकांड इत्यादि का पाठ करें, इधर दहिया का भी इम्पैक्ट इफेक्ट में थोड़ा सा कमी होना, और इसका शनि का दृष्टि के कारण महा वो कोई मित्र ग्रह दृष्टि भी तो नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा वैसे। बाकी अगर धन का आगमन और लाभ का स्थिति बताएंगे तो आप इस क्षेत्र में जरूर लाभान्वित रहेंगे, कितना भी रह जाएं, जब लग्न पीड़ित हो जाता है, लग्न का राहु केतु का एक्सिस में आ जाता है तो स्वाभाविक समस्या रहता है। तो ऑलरेडी मैं आपका अष्टम चंद्रमा, जिसमें बाधा विघ्न ज़्यादा, काम में ऑब्स्टकल, काम में बाधाएं, जाम होना, काम इजीली नहीं हो पाना, 23, 24, 25 थोड़ा सावधान बरतें। और ये जो 6, 7, 8 द्वादश चंद्रमा रहेगा, अहेतुक लॉस, सावधान रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, स्वागत है आपको तुला के बाद वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों का राशिफल इस महीना, जुलाई महीना 1 तारीख से 21 तारीख तक कैसा चलेगा। सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों का बात करूंगा मैं, अष्टम स्थान वृश्चिक राशि का सप्तम वृष राशि और अष्टम स्थान होता है मिथुन, 25, 26, 27 अष्टम चंद्रमा, सावधान रहने का अत्यंत आवश्यकता है। काम में बाधा, स्लो डाउन, वर्क लेवल पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी, जाम, जैसे ट्रैफिक जाम होता है तो इस प्रकार का ये वर्क लाइन पे जाम होना है। द्वादश चंद्रमा में आपको 8, 9, 10 अननेसरी खर्चा, हॉस्पिटल या किसी प्रकार के जर्नी, इस प्रकार का रहने का संभावना रहेगा। केतु के साथ चंद्रमा रहेंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम इस समय बनाएंगे। हालांकि यहाँ शुक्र चंद्रमा का युति 13 तारीख के बाद बन जाएगा और 25, 26, 27 शुक्र चंद्रमा यहाँ पर रहेंगे तो मैं कहूँगा थोड़ा सा एक्टिव रहेगा, लेकिन फिर भी मन में कामुकता का वासना इत्यादि का भी संभावना बहुत ज़्यादा दिखता है। तो चलिए, आपका वृश्चिक राशि वालों का हेल्थ का बारे में बात करेंगे। तो यहाँ वृश्चिक राशि वालों का हेल्थ एस्पेक्ट, क्योंकि मंगल का दृष्टि भी रहेगा, अपने घर को देखेंगे तो ठीक ठाक रहने का पूरा संभावना यहाँ से है। और वृश्चिक राशि वालों का सबसे पॉजिटिव यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 षष्ठ स्थान में राहु, नो डाउट, गुड वन। लेकिन वृश्चिक राशि वालों का शनि का ढैया, चतुर्थ शनि 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी आप लोग ढैया का जोन में हो, हालांकि शनिदेव घूम के बैक बकरी होके आ रहे हैं तो कुछ दिन के लिए आपको ढैया से मुक्ति है, फिर भी हेल्थ का लेवल अगर वृश्चिक राशि वालों के लिए कहा जाए तो यहाँ से सप्तम दृष्टि कन्या, अष्टम नवम में गुरु का दृष्टि भी आ रहा है तो सन आपका हेल्थ औसतन ठीक रहेगा। प्लस शुक्रदेव भी जब तक हैं आपका तो हेल्थ और दोनों का स्थिति ठीक रहेगा। दाम्पत्य जीवन शुक्र शुभ ग्रह होने के कारण, और हालांकि शुक्र वहाँ अपने घर में हैं तो ये ठीक रहेगा, जब चले जाएंगे वहाँ सप्तमाधिपति अष्टम में जब चले जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा समस्या कहीं ना कहीं आने का संभावना है। और वृश्चिक राशि वालों का धन स्थिति नेचुरली अपने से 1, 2, 3, 4, 5 गुड, अपने से चतुर्थ वेरी गुड, तो चलिए 100 नंबर ले लीजिए इसमें, तो आपका आगमन धन है, परिवार में सुख शांति रहेगा। तृतीय पराक्रम शनि, बकरी होके स्वगृही, पराक्रम में भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन सूर्य का दृष्टि आने के कारण नेचुरली पराक्रम में बढ़ेगा, लेकिन सूर्य चंद्रमा का टसल, इसमें सावधान होने का चाहिए, भाई बहन इत्यादि यात्रा में सावधान, अने अहेतुक यात्रा का भी संभावना। चतुर्थ का बात ऑलरेडी शनि बकरी हैं तो ये तो सुरक्षित देंगे आपके लिए, उसमें कोई चिंता का बात नहीं है, फिर भी
सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक। पंचम स्थान गुरु बृहस्पति, पंचम शिक्षा लाभ और ये जप तप पूजा पाठ, ये भी आपके लिए टॉप मूवमेंट में जा रहा है। षष्ठ में मंगल, हम लोग का बताया गया षष्ठम में मंगल भूमि भवन बाण को देने वाला, सुख आनंद को देने वाला राहु षष्ठ में, तो आपके लिए मैं कहूँगा नो डाउट इज अ वेरी बेस्ट। और शत्रुहंता योग भी, और शत्रु के शत्रु पीड़ित होंगे इस समय वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो शत्रु के ऊपर हैवी प्रेशर आएगा। और अगर कोई वृश्चिक राशि वालों का शत्रु बन रहा है या है इस दौरान, तो आपको ये 1.5 साल बहुत ज़्यादा सावधान होने का संभावना है। शत्रुओं को सर पे चोट लगेगा, तो मैं बता दे रहा हूँ वृश्चिक राशि वाले का शत्रु अगर कोई बना रखे हो अज्ञात में, तो ये थोड़ा सावधान होना। और फिर शुक्र ऑलरेडी सप्तम पे चल रहे हैं और ये एकदम दाम्पत्य सुख का चिंता ही नहीं है, तो ले दे के बढ़िया है। भाग्य भाव ये भी सपोर्टिव रहेगा आपके लिए, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। करियर का बात कहें तो वृश्चिक वालों के लिए करियर, नया काम, नया अपॉर्चुनिटीज़, नया लोक मिलना बम बम होके दिख रहा है, कोई टेंशन का बात नहीं है, एकदम आगे बढ़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट और व्यवसाय और पैसा का कहीं आप जो भी लगाने का बात करते हो, तो इस समय ये भी आपके लिए टॉप में है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ज़्यादा चिंतन का बात नहीं है। ऑलरेडी अष्टम और द्वादश वृश्चिक राशि वालों का सबसे ज़्यादा चिंतन है 8, 9, 10, और यहाँ से जो वृश्चिक वालों का अष्टम का बात मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ, 25, 26, 27 थोड़ा सा सावधान रहना, तो वृश्चिक वालों का ठीक ठाक है और ज़्यादा चिंतनीय विषय नहीं है। हाँ, अगर आपका दशा अंतरदशा सपोर्ट नहीं कर रहा है, ग्रह का स्थिति आपके कुंडली में ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा चिंतनीय विषय रहेगा, लेकिन गोचर से तो आपको बहुत अच्छा ऊर्जा मिल रहा है, इसमें कोई शंका डाउट नहीं है। चलिए आगे इसमें और ज़्यादा विचार नहीं करते हुए आगे हम लोग चलते हैं धनु वालों का राशिफल के लिए। धनु राशि वाले स्वागत है, नमस्कार। तो धनु राशि वालों का स्वास्थ्य और ग्रह स्थिति ऑलरेडी पहले वीडियो में 10-15 मिनट 11 मिनट का मैं बना दिया, उसमें और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सीधा राशिफल पे आ रहा हूँ। आप स्वास्थ्य अपने से चतुर्थ लगने, गुड हेल्थ नो डाउट। और हाँ, थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि क्योंकि शनिदेव फिर से बकरी हो रहे हैं, तो धनी वालों का 7.5 का इफेक्ट फिर ये रीएक्टिव होगा, लेकिन शनि बाबा जाने के टाइम में अच्छे फल देके भी जाते हैं। तो बहुत सारे धनु वाले अभी घर बना रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, गाड़ी भी खरीद रहे हैं, भूमि भवन वाहन इत्यादि प्राप्त और हैप्पीनेस में हैं, ये तो है। लेकिन अगर दशा अंतरदशा और ग्रह स्थिति ठीक नहीं है आपकी कुंडली में, तो समस्या में पड़ेंगे, स्वाभाविक बात है। और ये जो बैक करके आपको आ रहे हैं ना शनिदेव 7.5 को रीएक्टिवेट करने के लिए, तो स्वाभाविक बात है ये आपको एक जो पेंडिंग बाकी रह गया था, कुछ फल देना भूल गए थे तो अच्छे फल भी देंगे, कुछ दंड देना भूल गए थे तो वो भी देंगे। आप सोचिए इस समय अगर आप अपने को पूरे 7.5 साल सुधार दिए हैं, अच्छे लाइन पे ले आए हैं, अपने जो भी किए कर्म कृत कर्म के प्रति आप पछतावा किए हैं और उसको पुनरायत नहीं करने का आप संकल्प लिए हैं, तो आप समझ लीजिए कि शनि बाबा आपको पुरस्कृत करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप अपना माछ मछली अंडा माछ मदिरा पंचमकार छोड़े नहीं हैं और 7.5 जाने के बावजूद भी आपको कुछ शिक्षा नहीं मिला, तो याद रखना धनु वाले पीसोगे एकदम बढ़िया से, इसमें कोई विचार नहीं है। क्योंकि लास्ट एक साल हुआ मैं देख रहा था धनु वालों का 7.5 उतरता, बहुत लोगों को दंडित भी किए हैं, जो लोग अपने को नहीं सुधारे थे, जो लोग अपने शनि के अनुसार नहीं जी रहे थे, अपने जीवन को बैलेंस नहीं कर रहे थे, धनु वाले पीड़ित तो थे। लेकिन इस महीना आपके लिए तो एकदम बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, इसमें नो डाउट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं धनु वालों का स्वास्थ्य के बारे में बात, धन का बात करें तो धनु वालों का सेकंड शनिदेव बकरी होकर अपने ही घर में आ रहे हैं और स्वग्रही हो रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है अच्छे फल देंगे, धन का आगमन और परिवार इसमें स्वाभाविक, स्वग्रही कभी बहुत ज़्यादा बुरा नहीं करते। और आपसे थर्ड में थे फिर सेकंड में आ रहे हैं, सेकंड शनि हमेशा शोक देने का संभावना ज़्यादा रहता है, तो इसमें आपका जो भी मैं पहले से भी शनि का बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ, वो अपना हनुमान चालीसा इत्यादि और सुंदराकांड
और जो लोग ज़्यादा पीड़ित हैं तो माँ काली का जो भी साधना इत्यादि पूजा पाठ मंत्र तंत्र जप हवन में रहें वो बंद नहीं होना चाहिए। तो उससे रिवर्स शनि में आपको इस सारे समस्या से स्वाभाविक बात है बच जाएंगे। धनु वालों का पराक्रम का बात कहें तो बढ़िया रहेगा। हाँ, धनु वालों का सेकंड हाउस में सूर्यदेव जब यहाँ आ जाएंगे, कर्क में आ जाएंगे 16 तारीख के बाद सेकंड हाउस में, तो ये शनि सूर्य का 180 डिग्री बकरी और ज़्यादा बकरी। और आप सबको पता है सूर्य से ये सप्तम स्थान पे कोई भी ग्रह हो फल भयंकर करता है, 100% फल करता है। तो इसमें फल तो बहुत अच्छा दिख रहे हैं, लेकिन ये नैसर्गिक बाप बेटा का शत्रुता के कारण इसका भी इम्पैक्ट इफेक्ट आएगा। ये इसके लिए आपको सावधान भी रहना चाहिए, परिवार में, वाणी में और आपके बाकी धन के क्षेत्र में थोड़ा आवश्यक है आपको सावधानी बरतना। और उसके बाद सुख का स्थान धनु वालों का चतुर्थ में गुरु हैं, उसमें बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कभी कभार गुरु जहाँ बैठते हैं उसको कारक भावना आशा सूत्र, हालांकि उसका अलग सूत्र है, लेकिन उसके भी लिए भी थोड़ा सावधान होने का आवश्यकता जरूर है। पंचम स्थान शिक्षा का क्षेत्र, गुरु मंगल स्वगुरी होने के लिए नैसर्गिक रूप में आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन राहु और मंगल अंगारक योग तो इसमें आप सबको थोड़ा सा संभावना है खटिडकार, अम्लपीत, क्रोध आना और ये लव अफेयर्स में थोड़ा समस्या होना। संतान के क्षेत्र में आप सबसे ज़्यादा अगर 12 राशि में से किसी को सावधान होने के लिए कहूँ तो धनु वालों को मैं कहूँगा संतान के क्षेत्र में बहुत सावधान जरूरी है। कहीं इलेक्ट्रिक स्विच पॉइंट, छोटे बच्चे हैं तो उंगली घुसाना, पतार घुसाना, इस प्रकार के अगर अनसेफ जोन है तो उससे बच के रहना चाहिए। फायर इत्यादि, अग्नि इत्यादि इस समय के लिए बहुत सावधानी का आवश्यकता है। तो सप्तम स्थान स्पाउस सुख दंपति, ये दाम्पत्य सुख ठीक ठाक रहेगा, उसमें कोई बात नहीं है। भाग्य का सपोर्ट भी टॉप लेवल पे है, उसमें भी कोई चिंतनीय विषय नहीं है आपके लिए, भाग्य का सपोर्ट रहेगा, बढ़िया रहेगा। और हाँ, जो राहु पंचम में अगर आपका राहु महादशा धनु वालों का है और बेड फल दे रहा है ग्रह दशा अंतर दशा में, थोड़ा बहुत जरूरी, इधर 7.5 और इधर राहु का महादशा, सावधान होने का अत्यंत आवश्यकता है। और करियर क्षेत्र का कहूँ ये भी एकदम बम बम कैलाशी घटघट के बासी, इसमें चिंतन का बात नहीं है। और आपका इन्वेस्टमेंट, व्यवसाय, पैसा का आना, फ्लो ऑफ मनी, ये थोड़ा सा पीड़ित होगा जरूर, उसमें कोई बात नहीं है, दो राय नहीं है, फिर भी इसमें आप हाथ खोल के इन्वेस्टमेंट पे जा सकते हैं, कोई चिंतनीय नहीं है। लेकिन शेयर, सट्टा, जुआ, पंचम राहु, सावधान होने का अत्यंत आवश्यकता है, इसमें आप बहुत आसान नहीं कर सकते हैं। और ये आखिरी में मैं इतना ही कहूँगा कि आप अभी करेक्शन जोन पे हो, अपने को और अच्छा से करेक्शन करना, सुधारना अत्यंत आवश्यकता है। तो चलिए अगला वीडियो में बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए मकर राशि का राशिफल। मकर राशि काल पुरुष कुंडली का दशम स्थान, ग्रह स्थिति बोलने का आवश्यकता नहीं है, स्वाभाविक बात है, मैं ऑलरेडी उसका 10 मिनट का वीडियो बनाया हूँ और ज़्यादा उसमें विस्तार से नहीं जाऊँगा। अष्टम सूर्य मकर राशि वालों का 6, 3, 4, 5, 6 सावधान रहना चाहिए, काम में बाधा आना, काम स्लो डाउन होना दिख रहा है। बाकी बात करेंगे द्वादश चंद्रमा 13, 14, 15 का कुछ दिन, 15 को हालांकि श्रवण में चले जाएंगे तो ये 14 ही पकड़ लेते हैं, अन्य से खर्चा से बचने का आवश्यकता है। और फिर अब इसमें बात करते हैं आपका स्वास्थ्य व्यवस्था, लग्नाधिपति द्वितीय में और फिर घूम के बकरी अति बली अति बकरी होके आ रहे हैं, चेष्टा बली में रहेंगे, अच्छा स्वास्थ्य रहने का पूरा संभावना है, नो डाउट। और यहाँ जो राहु का भी दृष्टि मकर पे आ रहा था अभी नहीं है, तो इसमें भी आप एकदम करेक्ट हैं। लेकिन चतुर्थ स्थान सुख के स्थान पे राहु, सुख के स्थान पे शोक रही मंगल, तो इस क्षेत्र में भी मैं कहूँगा स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। हाँ, 16 तारीख के बाद सूर्य आने के बाद दृष्टि यहाँ जाएगा, शनि और सूर्य का
दृष्टि संपर्क होगा, तो उस समय थोड़ा सा आपके अंदर टेम्परामेंट में चेंजेस आना, क्रोध आना और द्वंद्वता आना, ये कहीं ना कहीं आपको संभावना दिख रहा है। तो 50-50 हेल्थ का रहेगा। वाणी क्षेत्र नो डाउट वेरी गुड, परिवार सुख एकदम ये ठीक ठाक रहेगा। लेकिन चंद्रमा के साथ शनि, आपके जन्म चंद्रमा के साथ शनि, जो आप 2.5 साल भुगतते हुए आ रहे थे वो रिपीट करेगा, सडन डिप्रेशन, और सूर्य आने के बाद और ज़्यादा इसका स्थिति बढ़ेगा। काम करने में रुचि नहीं होना, आलसपन लगे रहना, आपको कहीं ना कहीं एक बैकपुलिंग का भी स्थिति, ये रहने का संभावना, और सूर्य आने के बाद इसका स्थिति और भी कहीं ना कहीं बढ़ने का संभावना दिख रहा है। आगे बात करेंगे एनर्जी, टॉप मास्ट गुरु थर्ड हाउस में चल रहे हैं तो वो रहेगा। हाँ, थोड़ा कंजूसी इस समय बढ़ने का संभावना मकर राशि वालों का दिख रहा है कि कंजूस बनेंगे, धन इत्यादि सोच समझ के खर्चा उनके अंदर ज़्यादा विचार आएगा, और भाई बहन के साथ भी संपर्क बढ़िया रहेगा। माता का स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहने का अत्यंत आवश्यकता है। चतुर्थान में मंगल और राहु का अंगारक योग बन रहा है, और भूमि भवन वाहन चोर चपेट एक्सीडेंट इत्यादि का संभावना, मकर वालों का कुछ चोरी भी, कुछ लोग आए थे भी चोरी होने का, इस प्रकार के भूमि भवन वाहन के ऊपर या अपने घर के मकान के ऊपर कुछ ना कुछ, तो उसके क्षेत्र में सावधान होने का अत्यंत आवश्यकता है। माँ का सुख के ऊपर सावधान होने का। पंचम स्थान स्वगृही सुख, लव अफेयर्स गुड, शिक्षा क्षेत्र गुड, नंबर 100-200, इसमें कोई चिंता का बात नहीं है। हाँ, आपका पराक्रम क्षेत्र में शनि का दृष्टि जाएगा तो पराक्रम स्वाभाविक बात है, गुरु के ऊपर पड़ने के कारण पराक्रम भी बढ़ेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुड़ेगा आध्यात्मिकता के ऊपर, यात्राएं दे सकते हैं इस समय, ये भी स्वभाव दिख रहा है। और अब बात करेंगे सप्तम, सप्तम के ऊपर सूर्य आएंगे, दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा बचा के लेने का अत्यंत आवश्यकता है, और आपका आप कर लोगे इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल होने का संभावना है। वाणी को से और आप अगर थोड़ा सा चतुराई बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो जरूर अच्छा चलेगा। अब बात करते हैं आपका भाग्य, भाग्याधिपति मकर राशि वालों का, वो अपने से सप्तम में तो भाग्य का सपोर्ट भी ले देके एकदम बढ़िया है इस महीना मकर वालों के लिए। कम मेहनत ज़्यादा काम स्वाभाविक है, लेकिन 7.5 ही है तो वर्क ब्लॉक जो दिखाई देगा। कर्म क्षेत्र अफेक्टेड 4 और 10 एक्सिस मकर वालों का, केतुदेव वहाँ बैठे हुए हैं, और कर्म क्षेत्र के ऊपर सावधान होना को बहुत जरूरी मैं कहूँगा। राहु का भी दृष्टि, मंगल का भी दृष्टि, केतु खुद माँ है, और शनि आ जाएंगे तो दृष्टि स्वाभाविक, जहाँ बैठते हैं अच्छा करते हैं, यहाँ देखते हैं शनि का दृष्टि है भाई, तो इतने सारे कर्म क्षेत्र के ऊपर दृष्टि, तो कर्म क्षेत्र में मकर राशि वाले सबसे ज़्यादा, अगर पूरे साल में अगर कहीं किस महीना रहना है तो ये महीना मैं आपको आगाह करूँगा कि ये अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, काम क्षेत्र में बढ़ोतरी मिलेगा, सडन गेन भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। लेकिन अंगारक योग और मंगल चार चार ग्रहों का पूरा ऊर्जा यहाँ पर होने के कारण इस ऊर्जा को वर्क फील्ड पे बैलेंस करना आपके लिए बहुत आवश्यकता रहेगा, इसलिए इस पे बहुत सावधान होने का आवश्यकता है। और सबसे ये वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट विषय तो यही है। बाकी बात करते हैं आपका लाभ का क्षेत्र, मंगल बनते हैं तो अंगारक योग जरूर ये विचार करना चाहिए, तो इसमें सावधान होना आवश्यकता है। तो मैं मना करूंगा कि आप धन धन फ्लोटेड तो बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई चिंता का नहीं है, लेकिन जो लाभ का क्षेत्र अगर कहेंगे तो लाभ का स्थिति इन्वेस्टमेंट बिजनेस दाने व्यापार थोड़ा इस समय ब्रेक मारने का आवश्यकता मेरे को, मैं कहूँगा कि हाँ है, और आपको पूरा ओपन हैंड पे काम नहीं मिलेगा। लेकिन मकर राशि वालों को इस समय कहूँगा जो विगत 5 साल से पीड़ित होकर आ रहे थे ये जो शनि का 7.5 का कारण, इस समय आपको कुछ ओपन हैंड खेलने का पूरा मौका मिलेगा, और आखिरी 2.5 साल बचा हुआ है, लेकिन और शनि बकरी होके आ रहे हैं, और पूरे ये स्थान अगर ये 5 साल अपने आप को करेक्शन जोन पे रखे थे और अभी सुधर गए हैं तो शनि बाबा इस समय आपको बहुत अच्छा भी फल देंगे, इसमें कोई चिंतन का विषय नहीं। और अगर ये 5 साल का दंड पाने के बावजूद भी अगर आप नहीं सुधरे हो तो ये बकरी वाले शनि जो अभी आ रहे हैं ये आपको फिर से पुनः दंडित करने का विषय पे रहेंगे। और ये डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में ग्रह स्थिति क्या है, ग्रह दशा कौन सा दशा चल रहा है, और अगर सूटेबल है
तो बहुत सारे मकर वालों को कोई दंड नहीं मिला है, एकदम उनको पता नहीं 7:30 चल रहा है बोल के। ऐसा भी आप वीडियो में देखे होंगे कुछ मकर वाले, मेरा मैं उनका कुंडली विश्लेषण कर रहा था, स्पेशल केस था, तो बोला अरे यार मुझे पता नहीं 7:30 चल रहा है, तो दे आर नॉट अलाउड एंड एवर अबाउट दैट। लेकिन जिनको मिल रहा है तो अच्छा से मिल रहा है ना, सोच लीजिए शनि का महादशा हो और 7:30 डबल मतलब डबल शनि हो जाए तो उस क्षेत्र में मिल रहा है। और ये सावधान डेट ऑलरेडी मैं बता दिया कि आपका जो अष्टम का 7-8 का और जो द्वादश का ऑलरेडी बता दिया मकर वालों का 13-14 का, इसमें थोड़ा सा केवल सावधानी बरतने का बात है, बाकी आपका ठीक ठाक है। चलिए आगे बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि इस महीना आपका स्वास्थ्य लग्नेश द्वादश में 7:30 का जोन फर्स्ट 7:30 रिटर्न हो रहा है, इस क्षेत्र में समस्या थोड़ा रहेगा। कुंभ वाले पीड़ित हैं मुझे पता है, डिपेंड अपन आपके ग्रह स्थिति और ग्रह दशा, लेकिन राहु आपसे तृतीय में भी हैं तो सुरक्षा दे रहे हैं। मंगल थर्ड और बढ़िया, स्वग्रही और बढ़िया, और इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा मिल रहा है तो कुंभ वालों को मिल रहा है। स्वास्थ्य कंडीशन गुड, सेकंड हाउस गुरु बृहस्पति, धन का आगमन गुड, वाणी क्षेत्र गुड, परिवार संपत्ति गुड, पराक्रम में बढ़ोतरी, पराक्रम में राहु और मंगल स्वग्रही, तो एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत सा काम निकलेगा, और साथ में भूमि भवन वाहन सुख, माता का स्थान जहाँ पर राहु थे और पीड़ा पा रहे थे आप लोग, अब वहाँ से ऑलरेडी निजात पा चुके हैं, तो ये आपके लिए सुपर हिट रहेगा। पंचम स्थान लव इत्यादि कोई चिंता का बात नहीं, एजुकेशन सॉलिड चलेगा। और बात करते हैं दाम्पत्य जीवन का बात, तो सूर्य अपने शिष्ट पे रहेंगे तो नो डाउट इसमें भी कंडीशन ठीक रहेगा। भाग्य का सपोर्ट थोड़ा सा यहाँ नवम स्थान आपके लिए, ये जो एक्सिस पे आ रहा है 3 और 9 का भाग्य का क्षेत्र, तो उतना ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, इसलिए भाग्य का डिपेंड कम करें। कर्म का क्षेत्र कर्म को मजबूत करिए, कर्म भी इट इज़ अफेक्टेड बाय मंगल इज राहु, तो स्वाभाविक बात है इसमें थोड़ा सा दिक्कत रहेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। कर्म नया अपॉर्चुनिटी नया काम खुल के आने का संभावना यहाँ पर है, तो इसमें ज़्यादा समस्या नहीं है। आगे अगर लाभ का बात करें, गुरु बृहस्पति खुद लाभेश लाभ देने वाला जाके द्वितीय में, फिर बताओ क्या चमत्कार है। इन्वेस्टमेंट धंधा एकदम ले देंगे, एकदम बढ़िया से चल सकते हैं। हाँ, कुंभ वालों का यहाँ से जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को अष्टम बाधा विघ्न का संभावना, तो चपेट एक्सीडेंट सावधान रहना चाहिए। द्वादश का आपका 14, 15, 16 इसमें थोड़ा सावधानी का बरतने का आवश्यकता है, बाकी कुंभ वालों का बहुत ज़्यादा बोलने का आवश्यकता नहीं है, एकदम बढ़िया फ्री फ्लो एनर्जी आपके लिए है, हाथ खुल के आप काम कर सकते हो, और जो कुछ भी समस्या कहीं से अगर बहुत ज़्यादा दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है, तो कुंभ वालों का फिलहाल ठीक है। और जो भी समस्या कहीं से मिलेगा शनि से बकरी हैं, अच्छा है, द्वादश में हैं, तो उतना ज़्यादा समस्या वहाँ से नहीं दिख रहा है। अगर दशा अंतरदशा ग्रह स्थिति कुंडली में ख़राब हो तो कुंडली विश्लेषण कर लीजिए, बाकी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या मुझे नहीं दिख रहा है। कुंभ के बाद बात करते हैं, स्वागत है आपको, मीन राशि वालों का राशिफल का बात करेंगे। तो मीन वाले ऑलरेडी 7:30 जोन पे थे पहला फेज, लेकिन शनि बाबा पीछे आ गए, लेकिन फिर भी आपको देख रहे हैं। मीन वालों को आगाह करना चाहूँगा कि जो आपको मौका मिला है ना, 12 जून से पीछे आ जाएंगे मकर में, 7:30 का जोन से आप लोग कंप्लीट बाहर आ जाओगे अप टू जनवरी तक, जनवरी फरवरी तक उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा, अप टू मार्च तक रहेगा, उसके बाद एकदम टॉप लेवल पे आ जाओगे, एकदम हैवी बैक करके बैक गियर मार के फिर जब गाड़ी आगे चलेगा शनि बाबा का, एकदम शनि वाले हिट हो जाओगे। तो ये जो टाइम पीरियड मिला है आपको करेक्शन करने के लिए, करेक्शन कर, बहुत सारे मानसिक प्रेशर आपको हल्का लगता होगा स्वाभाविक, लेकिन 7:30 के जोन में हो बकरी होने के बावजूद, तो इसमें जरूर चिंतन करने का आवश्यकता है, उतना ढीला और हल्का में विषय को ना लें।
आगे बात करते हैं। सेकंड हाउस वाणी का हाउस, मेन वाले अभी बड़ा टेढ़ा बात कर रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ, बड़ा क्रूरतम बात हो रहा है ना चाहते हुए, और बाद में पछताते हैं, अरे हम नहीं चाहते थे, ऐसा वाणी मुंह से निकल रहा है, निकलेगा। धन का स्थान, परिवार का स्थान, वैमनुष्यता, थोड़ा सा वाद विवाद और द्वंद्वात्मक स्थिति, भ्रम, भय, ये है, चल रहा है, चलेगा, इसमें कोई नहीं रोक सकता। समाधान के लिए केवल ईश्वर प्रार्थना ही एकमात्र मार्ग, मैं कहूँगा हनुमान बाबा का शरण में जाइए, शिव भगवान के शरण में जाइए, और परिवार को अग्नि इत्यादि क्रिया से सावधान रहने का बहुत जरूरी है, मीन वालों के लिए मैं कहूँगा। पराक्रम, इस पराक्रम के घर में है तो पराक्रम तो बढ़ेगा, काम करने में रुचि रहेगा, नो डाउट, ये एक आपके लिए पॉजिटिव जोन है। सुख के क्षेत्र में अगर कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं दिख रहा है, माता का स्थिति भी ठीक ठाक रहेगा। पंचमाधिपति यहाँ से चंद्रमा, वहाँ सूर्यदेव आ रहे हैं, थोड़ा सावधान होना। शनि का दृष्टि पंचम के ऊपर जाएगा, लव अफेयर्स इत्यादि में मीन राशि वाले थोड़ा सावधान होने का आवश्यकता है। एजुकेशन क्षेत्र में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, ये भी स्वाभाविक बात है। इधर साढ़े साथी का जोन भी, और सेकंड हाउस ऑलरेडी पड़ी थी, फिर भी सूर्य यहाँ के मित्र गृही होने के कारण आपको इसमें सपोर्ट, सुरक्षा देंगे। और दाम्पत्य जीवन का बात कह दें तो एकदम नो डाउट टॉप में है, इसमें कोई शंका नहीं है, और बहुत ज़्यादा समस्या दिखाई नहीं देगी। मीन वालों का अष्टमाधिपति शुक्रदेव यहाँ, और फिर आगे चल जाएंगे 13 तारीख को, अपने से 1, 2, 3, 4 माता के स्थान, मृत्यु तुल्य पीड़ा का अधिपति, चोर चपट एक्सीडेंट का अधिपति, तो मैं कहूँगा थोड़ा इसमें ख्याल रखने का कारण है। बहुत ज़्यादा तो समस्या नहीं आएगा, क्योंकि गुरु स्वयं अपने घर में बैठे हुए हैं, फिर भी होगा तो जरूर। अब आगे अगर बात करते हैं, भाग्याधिपति मंगल इस पीड़ित इन सेकंड हाउस, भाग्य का सपोर्ट मैं यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन स्वगृह हो रहे हैं और अपने से छठे में भी जा रहे हैं, तो भाग्य का सपोर्ट इस पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं से कम हो रहा है। बात करेंगे आपका करियर का स्थान, बढ़िया है, अपॉर्चुनिटीज, वर्क लाइन, फील्ड फैक्टर ठीक रहेगा। लाभ का स्थान, शनि बाबा खुद वहाँ पहुँच रहे हैं, तो आप सब अभी एकादश शनि का पूरे लाभ क्षेत्र पे चलोगे, लेकिन क्योंकि धन के स्थान पे भी बैठे हुए हैं राहु, तो मैं नहीं कहूँगा कि बिना सोचे समझे किसी में इन्वेस्टमेंट करें, विश्वास कर लें, समस्या। और मीन वालों का अष्टम चंद्रमा का डेट मैं बताता हूँ, 8, 9, 10 काम में बाधा, यात्रा में बाधा, और चोर चपेट एक्सीडेंट का संभावना होगा बल्कि नहीं कह रहा, और द्वादश चंद्रमा 16, 17, 18 अन्य सारी खर्चा, इन सबको आपको समझ के जो डेट बताया अगर चलते हैं, महीना बहुत अच्छा चलेगा। बाकी आप साढ़े साथी जोन से बाहर हो तो फ्री फ्लो एनर्जी है, लेकिन आपको मौका दिए हैं शनि बाबा आपको फिर से पुनः चिंतन करने के लिए, तो इसको पूरा उपयोग करें, संभलें, ताकि साढ़े साथी आपका अच्छा जाए और बढ़िया जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। कुंडली विश्लेषण ज्योतिष सीखने के लिए हमारे ज्योतिष गुरुकुल संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 पे जरूर संपर्क करें, और मेल में संपर्क करना चाहते हैं तो sanjay75@gmail.com इसमें संपर्क कर सकते हैं। पहले व्हाट्सएप करिए, SMS करिए, मैं अपने फुर्सत में आपको अपॉइंटमेंट दूंगा, फिर बात करूँ, और सडन फ़ोन करेंगे इस प्रकार, देखिए अभी सारा फ़ोन मेरा बंद है, तो आप लोग फिर वो मेरे को फ़ोन करके डांटते हो, महाराज आपका फ़ोन बंद रहता है, बंद नहीं रहेगा, क्या होगा, रिकॉर्डिंग चल रहा है, फ़ोन अटेंड करूँगा या रिकॉर्डिंग करूँगा, तो आशा करता हूँ मेरा समस्या आप समझते होंगे, और ऐसा कदाचित नहीं है कि मैं किसी का फ़ोन अटेंड नहीं करूँगा, सबका अटेंड करता हूँ, करूँगा जरूर, बस आप व्हाट्सएप में अपॉइंटमेंट ले लेना, अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर बात करिए मीन वाले।
और अगर मेरा सेक्रेटरी पकड़ता है तो जो अपना वो क्राइटेरिया बताता है, और बाकी मेल आपका अगर कोई बहुत बड़ा समस्या है व्हाट्सएप नहीं तो मेल पे आप बात कर सकते हैं। चलो मेरा रिक्वेस्ट है आप कि लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई गलती बोल दिया तो भी आप कमेंट में बता दें ताकि मैं अपना करेक्शन भी कर लूँ। हर आदमी में, हाँ मैं कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कोई गलती नहीं है, और मेरा ये राशिफल बोलने के पीछे मेरा कोई बहुत अच्छा अभिरुचि नहीं है, समय इसलिए देता हूँ मेरा भी पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे राशि वाले आ जाते हैं उनको बोलना पड़ता है हाँ हमारा राशि कैसा चलेगा इस महीना इस साल, तो बोलता हूँ तो मेरा प्रैक्टिस हो जाता है। आप सुनो नहीं सुनो, देखो नहीं देखो, लाइक करो नहीं करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट माने नहीं रखता, करना, लेकिन ऐसा नहीं मेहनत कर रहा हूँ आपके पीछे, सोचिए यहाँ बैठ के डेढ़ घंटा से बजर बजर हो रहा हूँ, तो जरूरी है ऐसा नहीं। लेकिन ये जो मेरा टेक्नोलॉजी ऑफ राशिफल बताना, इसमें आपको पता चल जाएगी कौन सा टेंजल बेड है, कौन सा क्या है, और नक्षत्र वाइज भी मैं आगे चल के कोशिश करूँगा, लेकिन उसमें और ज़्यादा टाइम भी रह जाएगा। देखिए 30-30 चैनल चलाना और फिर इसमें टाइम देना, नहीं देता हूँ तो फिर कुछ मेरे को कमेंट कर, डायलॉग में व्हाट्सएप करने लगे, अरे महाराज कहाँ भाग गए, नहीं बता रहे हो राशिफल, गया महीना नहीं बताए, मैं डिसीजन लिया था कि राशिफल नहीं करूँगा बोल के, फिर आप लोगों का प्रेशर हुआ बहुत ज़्यादा, तो जिसके लिए मुझे फिर से ये राशिफल शुरू करना पड़ा। कुछ लोग तो दैनिक राशिफल और इस प्रकार का भी डिमांड कर रहे हैं, कोशिश करूँगा मेरे पास अगर समय हुआ तो मैं ज़रूर करूँगा। अभी तो अभी हमारा आज रथ यात्रा भी है, हम लोग निकलेंगे, चलिए गलती हो तो क्षमा करें। वीडियो को यहाँ समापन करते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।